Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very well. And tell me about your preparation. कैसी चल रही है आप लोगों की preparation? And very first thing is, ये बताइए, am I audible or not? जल्दी से बताएं मुझे कि audio और video clear है. If everything is clear, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ताकि बाद में हमें इशू ना हो कि मैम वॉइस नहीं थी, तब तक क्लास छूट गई, मेरी जो मेहनत होती है फिर वो फ्लो नहीं बन पाता ना, फिर एक साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने खाना बनाया है, रोज़ आप खाना बना रही हैं? मैम मक्के की रोटी बना रही हूँ और खा लीजिए साग के साथ. हाँ, बहुत डिलीशियस लगती है, ठीक है, मक्का की रोटी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है. थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा. लेकिन आज मुझे भूख नहीं है. क्यों नहीं है? जब मेरी क्लासेस वगैरह होती है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या खाना है, क्या है, कुछ नहीं समझ आता. बस वही क्लास लेनी है. और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होके, और खासकर यूट्यूब पर कनेक्ट होना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. मैम एग्ज़ाम कब तक होगा? विद इन 4 मंथ्स मुझे लगता है कि ये हो जाएगा. इट विल कनेक्ट सून. ओके, ऑल इज हंकी डोरी. वेरी गुड कि आप नए वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक राइज एंड शाइन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अल्टरनेट होता है, लाइक विशेज का. तो अच्छी बात है कि अगर आप नई चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ठीक है. मेरे हालचाल भी पूछ लिया करो कभी कभी. चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी के लिए है. इससे जो क्वेश्चन है, विलियम फॉकनर हम पढ़ने वाले हैं ना आज, तो विलियम फॉकनर से क्या है, अब मैंने देखा जब मैंने एक रिसर्च किया तो उस मुझे पता, मतलब उसमें मैंने पाया नेट से भी GIC है चाहे आपका, या फिर आप कह सकते हैं PGT है चाहे आपका, RPSC, मतलब अदर स्टेट्स का. तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. अगर आप अपने कोई भी एग्जाम जो कि इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्ट करता है तो उससे कंसर्न है, तो यहाँ पर आपको विलियम फॉकनर रेडी करना पड़ेगा. तो मैं जब पढ़ाने वाली हूँ, शायद आज की ही क्लास सफिशिएंट हो जाएगी आपको कि इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आता है विलियम फॉकनर से रिलेट करता हुआ, तो डेफिनेटली आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि हाँ मैम यही आंसर था. खाना पहले खाया करो, अपना ध्यान पहले रखा करो. नहीं, मैं ध्यान पूरा रखती हूँ अपना, लेकिन होता है ना जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में हो रही होती है, कुछ भी हो सकता है. खासकर ऐसा होता है When you are in love, तब भी ऐसा होता है, ठीक है. जब आप किस में हैं, जब स्पेशली किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दिन एग्जाम है, तब भी ऐसा होता है आपके साथ में, है ना. किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत, मतलब होने का कि हाँ ये चीज़ हो जाए, तब भी आपके साथ ऐसा होता है. तो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है. आपके साथ मिलना मुझे अच्छा लगता है, आपके साथ पढ़ाना यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट सा हो जाता है, तो इट्स गुड फॉर मी, ठीक है. हाँ, थैंक यू सो मच. चलिए अभी बातें हो गई. एंड वन थिंग कि आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप बीच में पूछते चले जाइए, मैं आपको आंसर करती रहूंगी. बट अगर आपकी क्वेरी कुछ डिफरेंट है, कुछ आपको पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो थोड़ा आप वेट करें. लास्ट के 10 मिनट्स मैं ले लूँगी, जब आपका वीडियो फिनिश हो जाएगा, लास्ट के 10 मिनट्स में आपकी वो क्वेरीज जो है हम रिजॉल्व कर लेंगे. आई होप कि आप सारे ही लोग रेडी हो, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना. बताइए जल्दी से, आर यू रेडी फॉर टूडेज क्लास, बिकॉज दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. यस, ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके प्रीति, समीर खान, बबली, बबली करदम, आप हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चों के नाम तो मुझे हमेशा ही याद रहते हैं. चलिए फिर लेट्स जंप इन. ओके, पहले सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगी, विलियम फॉकनर को आप देख सकते हैं, एक बार एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि विलियम फॉकनर इस तरह के दिखाई देते हैं. वैसे हैंडसम है ना, इतनी एज में भी अच्छे लग रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हैंडसम होंगे. जैसे कि मैं अभी उनको पढ़ा रही थी, रोबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह हैं, तो नॉट लुकिंग गुड, मतलब स्मार्ट नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था कि नाम जितना अच्छा है इतना नहीं है. बट विलियम फॉकनर का नाम भी अच्छा है एंड अपीयरेंस भी अच्छा है, ठीक है. तो ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत अच्छा होता है जब ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो, ठीक है. चलिए अभी मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, जो फैक्ट्स हैं वो सारे मैं समझाते हुए आपको चलूंगी, एंड इसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. तो ये क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें. वैसे मैं आपका जो ध्यान है वो नहीं हटने दूंगी, टेंशन मत लेना, मैं बोरिंग नहीं होने दूंगी क्लास को, बिल्कुल बोर नहीं हो गया. और वेरी इजीली आपको हर चीज़, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, लेट्स राइड इन.
ओके द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज कि विलियम फॉकनर को सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइटर हैं बिलोंग कहाँ से करते हैं. तो ये हमारे जो विलियम फॉकनर हैं सर बिलोंग करते हैं कहाँ से, अमेरिका से. अमेरिकन राइटर हैं. जब खासकर हम पीजीटी पढ़ते हैं तो उस लेवल पर हमें अमेरिकन राइटर्स भी करने होते हैं, स्पेशली दिए जाते हैं. और खासकर यूपी पीजीटी में आपके जो फोर राइटर्स हैं आपके अमेरिकन, तो आपको करने ही पड़ते हैं. यू हैव टू कवर इट, आप बच नहीं सकते हैं इस चीज से. तो यहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट थिंग ध्यान रखनी है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अमेरिकन, ये अमेरिकन पॉइंट है. और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 19 से करते हैं, 20 से करते हैं, 18 से करते हैं, 16 से करते हैं, है ना. इफ यू हैव नॉलेज अबाउट एरा एंड एजेस तो इट कैन बी ईजी टू यू, बहुत ईजी होता है आप लोगों के लिए कि आप आंसर कर दें. तो हमारे जो 20th सेंचुरी अभी आपको याद हो जाएगा. कैसे हो जाएगा वो ईजिली आपको हो जाएगा जब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी. तो 20th सेंचुरी ऑथर है, दैट्स इट. सबसे मेन पॉइंट ये है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चार पॉइंट आपको, चार अल्टरनेट दे दिए जाएंगे. तो फोर अल्टरनेट में से आपको एक चूज करना होगा कि अमेरिकन राइटर कौन है और कौन नहीं है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, देखो सबसे पहले हमें राइटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या याद करना होता है, कब उनका जन्म हुआ है. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, मैंने कहा ना ये गॉड ग्रेस हो जाता है जब दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो काफी अच्छा हो जाता है. मैम टीजीटी एसएससी का भी कुछ लेकर आओ ना. बिल्कुल, अगर आप लोगों का सिलेबस अच्छे से आ जाता है तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगी. बट अगर आप लोगों का सिलेबस ही अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है तो व्हाट कैन आई डू, मैं नहीं कर सकती ना कुछ भी. थैंक यू सुनील जी. मैं आपको दिख रही हूँ मैम, बफरिंग है. नहीं, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही नेटवर्क स्ट्रांग है हमारे. एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कोई बफरिंग, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है. अगर नहीं है तो फिर हम चलते चलेंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है. डिस्टर्ब करते हैं तो फिर बहुत लंबा लेंदी एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ. मैं, मेरा जो एम है वो ये है कि आज की क्लास में इसे फिनिश कर दें. तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें. नो बफरिंग एट ऑल, नो बफ. देखिए कोई भी बफरिंग नहीं है तो नेटवर्क इशू इस साइड नहीं है, आपकी साइड है, प्लीज रिजॉल्व इट. ओके, बोर्न विलियम फॉकनर, जन्म मेरे साथ याद करते चलेंगे, रिसाइट आफ्टर मी. देखिए सितंबर 25 1897 तो 19th सेंचुरी क्यों नहीं कहा गया. जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा कि 18 से ऊपर अगर एक भी 01 हो जाता है, 02, तो हम 19th सेंचुरी में काउंट करेंगे. बट एक बार आप ये तो देखिए यहाँ पर कि 97 में तो जन्म हुआ है और 1962 में डेथ हुई है सर की. तो फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर 20th. क्यों? क्योंकि इन्होंने मोस्ट ऑफ जो काम किया है वो 19 के बाद में काम किया है ना, 1900 के बाद में काम किया है. तो ये कौन सी एरा के राइटर हो गए फिर हमारे, 20th सेंचुरी के हो गए. इज इट क्लियर टू यू, होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. ठीक है, हाँ एक बार 480 पर लगा लीजिए, 480 पर ठीक हो जाता है. 721 ना करके आप एक बार यहाँ पर अपना रिजोल्यूशन चेक करें, 480 से कर लें, वहां पर भी अच्छा क्लियर दिखाई देता है. ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट वन इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स. दिस इज मस्ट, ये तो इतना मस्ट पॉइंट होता है कि आपको याद होने ही चाहिए. जितने भी आपके राइटर्स हैं कब उनको नोबेल प्राइज मिला है, कब पुलित्जर मिला है, अगर हिंदी राइटर्स हैं या आपको मतलब कब साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह ये सब मिले हैं, ये सबके सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए. तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नेशनल बुक अवार्ड, पुलित्जर प्राइज, वो भी 2 times, बहुत बड़ी बात है. अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम पढ़ रहे थे तो उन्हें 4 times मिला था. एंड यहाँ पर ये भी पीछे नहीं है, इनको भी 2 times क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है. कहाँ मिला, कौन से वर्क के लिए मिला, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ईच एंड एवरी पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट. पुलित्जर प्राइज 1955, तो रिमेंबर द डेट ऑल्सो, यहाँ पर 1963 वेरी फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम 1955. एंड नेक्स्ट वन इज नोबेल प्राइज 1949. ठीक है, तो यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है. आप अगर आपने ईयरफोन लगाया हुआ है, ईयरफोन रिमूव योर ईयरफोन. ओके, अगर रिमूव ईयरफोन लगा हुआ है तो एक आपके ईयर में आवाज नहीं आ रही होगी, एक में आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक ही माइक जो है वो यूज किया हुआ है, मैं एक माइक यूज कर रही हूँ. तो अपने या तो ईयरफोन रिमूव कर दीजिए या फिर एक को चेक करिए किस में आवाज आ रही है.
नोबेल प्राइज 1949 नोटेबल वर्क्स में हम ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब आजकल क्या पूछा जा रहा है आपके राइटर्स से, यही पूछ लेते हैं बस कि आप यहाँ से आप एलिमिनेट करिए कौन सा वर्क है राइटर का, कौन सा नहीं है, तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, प्लीज डोंट ट्राई टू अवॉइड इट। अफेबल, एब्सोलम, एब्सोलम ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो यहाँ पर अफेबल के लिए ही इनको क्या मिला, वेरी फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज मिला। एब्सोलम, एब्सोलम एज आई ले डाइंग, ये काफी अच्छी स्टोरी है, एक मदर की डेथ हो रही होती है तो उसका बेटा उनके सामने ही उनका कॉफिन तैयार कर रहा होता है, यानी कि डेथ बेड आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर रखा जाता है उसको। गो डाउन मोजेस, इंट्रूडर इन द डस्ट, लाइट इन ऑगस्ट, मॉस्किटोस, रिक्वीम फॉर अ नन, इसका अनदर नेम भी मैं आपको बताऊंगी, सैंक्चुअरी, सार्टोरिस, सोल्जर्स पे, ये वेरी फर्स्ट इनका नॉवल है, ये भी ध्यान रखेंगे, द बेयर, द हैमलेट। ओके, हैमलेट में ध्यान रखना, शेक्सपियर में और इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर एंड द हैमलेट रिटन बाय, हैमलेट जो है ये नॉवल है, तो नॉवल रिटन किया है किसने और जो प्ले रिटन किया है वो किसने है, वो शेक्सपियर के द्वारा है और जो नॉवल है वो किसने किसने लिखा है, विलियम फॉकनर ने। तो द मैंशन, द मार्बल फोन, द रिवर्स एंड द साउंड, और ये रिवर्स जो है इसके लिए इनको दोबारा से पुलित्जर प्राइज दिया गया। साउंड एंड द फ्यूरी, तो ये जाने ही इस वर्क की वजह से जाते हैं, साउंड एंड द फ्यूरी, और इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। द टाउन, द वाइल्ड साम्स, मूवमेंट एंड स्टाइल, जब पीजीटी से रिलेटेड क्लास होती है तो व्यूअर्स कम होते हैं, जैसे जैसे हम शिक्षा के उच्च स्तर पर चले जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड हाई होता है, मैंने ये नोटिस किया है, जैसे पीआरटी होती है तो पीआरटी में क्या होता है कि बहुत सारा बूम होता है ना जब लाइव सेशंस होते हैं, एंड उसके बाद में टीजीटी होता है उसमें भी काफी अच्छा रैंक करता है, बट जब पीजीटी की बात आती होता है ना बहुत लोग कम पीजीटी में, आखिर स्टैंडर्ड की बात है, ऐसे वैसे थोड़ी ना है, ऐसे फिर हम नेट में जाएंगे तो नेट के लिए वहां पर भी आपको फिर ऐसे ही मिलता है, बट बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप में गट्स हैं, गट्स होना किसी चीज को भी करने के लिए बहुत बड़ी बात है। जितने ऊंचे शिक्षा के स्तर पर आप होंगे उतने ही कैपेबल होते हैं और उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं एक अच्छी लाइफ आगे जीने की और दूसरों को भी सीख देने की। ओके, तो गुड जॉब। चलिए, मूवमेंट एंड स्टाइल, मूवमेंट एंड स्टाइल की हम बात करते हैं, मॉडर्निज्म, साउदर्न, सदर्न गॉथिक, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैं समझा दूंगी कि क्या होती है, तो इससे कंसिडर करते हुए, इनसे रिलेट करते हुए इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा है, यानी कि जो मेंटली एक प्रोसेस चलता रहता है हमेशा किसी के माइंड में, तो वो सारी बातों को लिखा जाता है, एंड ये गॉथिक में करते हैं, यानी कि एक ऐसा पार्ट इंसान का दिखाते हैं, ह्यूमंस का दिखाते हैं जो डार्क साइड है ना, वो गुड साइड को नहीं दिखाते हैं, वो दिखाते हैं एक डार्क साइड को, और स्पेशली सदर्न एरिया को फोकस करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव विलियम कुथबर्ट फॉकनर, एक चीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट कि इनका फुल नेम क्या है, कुथबर्ट बीच में लगाना होगा आपको, विलियम कुथबर्ट फॉकनर, क्या है, विलियम कुथबर्ट फॉकनर, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ ए यू नहीं लगा हुआ है, यू की भी कहानी है उसको भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, यू की भी एक कहानी है इसको आगे हम चल कर देखेंगे। तो बुक्स प्रीवियस ईयर ली है, क्या करूं प्लीज टेल, मैं सब कुछ सारे आंसर करूंगी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आफ्टर द वीडियो, आफ्टर द वीडियो या फिर आफ्टर द सेशन, वीडियो नहीं कहेंगे सेशन कहेंगे, ये सेशन फिनिश होने दो विलियम फॉकनर, फिर मैं आपके जो अलग क्वेरीज हैं उनके आंसर आपको कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यस, अ ग्रेट ग्रैंडफादर, इनका जो नाम है ना, इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत ज्यादा, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, यहाँ पर अ ग्रेट ग्रैंडफादर कॉलोनल विलियम फॉकनर, तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम क्या है, तो कॉलोनल विलियम फॉकनर हैड रिटन द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस, अ पॉपुलर नॉवल ऑफ द 1880। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, इनके दादाजी थे, दादाजी का नाम क्या है, कॉलोनल विलियम फॉकनर, ध्यान रहेगा, कोई मुश्किल तो नहीं है, विलियम फॉकनर के आगे कॉलोनल लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर रोज ऑफ मेम्फिस, अंग्रेज लोग बड़े ठीक होते हैं कि अपने नाम ना ऐसे ही चलते रहते हैं, उन लोगों को उनको कोई टेंशन नहीं होती कि अलग अलग नाम ढूंढ के लाओ, बस जॉनसन, मैरी, पेरी, इन पे ही चलते रहते हैं, इससे आगे वो बढ़ते नहीं है। वैसे यहाँ तो हम थोड़ा सा प्रैंक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो वो लोग नहीं आएंगे हमें टारगेट करने के लिए। रोज ऑफ मेम्फिस इन्होंने लिखा था जो कि बहुत ही पॉपुलर नॉवल था। चलिए आगे चलते हैं, इनका जो नेम है अपने फादर के नेम पर ही है, उनको ऑनर देने के लिए।
विलियम डिड नॉट अटेंड पब्लिक स्कूल, उन्होंने अपना पब्लिक स्कूल अटेंड नहीं किया था. आफ्टर द फिफ्थ ग्रेड के बाद में ही लेफ्ट हाई स्कूल प्रायर टू ग्रेजुएशन इन ऑर्डर टू वर्क इन हिज ग्रैंडफादर्स बैंक. ग्रैंडफादर के अपने बैंक में इनको काम करने के लिए इन्होंने अपनी स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया. विलियम नेवर earned his high school diploma despite being an avid reader and a lover of poetry. Okay, मतलब कि इतना मतलब लवर ऑफ पोएट्री होने के बावजूद भी ये क्या नहीं कर पाए, एजुकेशन में अपना बहुत डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर पाए. नेक्स्ट फैक्ट है, हमें जो याद रखना है, जो मैं रेड कर देती हूँ ना, जो भी रेड होता है, रेड फॉन्ट होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको मार्क करना है. पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन में, आपके कोर्स के अंदर पीडीएफ. अभी कल की क्लास जो रोबोट फर्स्ट पे हुई थी, जो कि एप्लीकेशन पर हुई थी, और जो आपकी टीजीटी की क्लास हुई थी, तो वो स्पेशली क्या है उसके, अभी मैं फ्री हो जाऊंगी ना, अभी स्पेशली अभी तक तो मैं बिजी थी, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, कल मैं सारी चीज़ों को अपलोड कर दूंगी, आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, तो अपने नोट भी नहीं बनाए होंगे तो कोई इशू नहीं है. पढ़ते चलो, बस अभी ध्यान से फोकस करते चलो, बस रिवाइज करना है. फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको आंसर करना, अभी तो मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर करना है. और अगर तब आपने आंसर नहीं किया तो फिर रेडी रहना मेरी डांट खाने के लिए, चाहे आप कितने ही बड़े हो मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी जरा भी शर्म नहीं आएगी आपको डांटने में. आफ्टर द US आर्मी रिजेक्टेड, ऐसा हुआ इनके साथ में 1918 में, जो US अकेडमी सॉरी US आर्मी थी, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट, यानी कि उनकी हाइट शॉर्ट रह गई थी. वैसे सेलेक्ट हो गए थे लेकिन उनकी हाइट जो थी वो शॉर्ट थी, तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे. उसी टाइम इन्हें क्या हुआ था, लिकर की आदत पड़ गई थी, है ना, और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, स्पेशली गर्लफ्रेंड कहेंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड कहेंगे, तो उन्होंने भी किसी अदर पर्सन से शादी कर ली थी, तो ये इन दोनों चीज़ों को एक साथ होना सहन नहीं कर पाए, एंड फिर ये बहुत ज्यादा यूज टू हो गए थे अल्कोहल के. हिम फॉर बीइंग अंडरवेट एंड टू शॉर्ट, यानी कि इनकी हाइट थी 5 feet 5 inches. फॉकनर एनलिस्टेड इन द कैनेडियन एयरफोर्स, बट फिर भी जो फॉकनर हैं वो कहाँ पर, फिर कैनेडियन के लिए इनको एक शौक था, एक पैशन था, तो ये कैनेडियन जो एयरफोर्स है यहाँ पर जाकर क्या हो गए, यहाँ पर जाकर इनको इसके अंदर एनलिस्ट हो गए थे. ठीक है, एंड ऑल्सो शॉर्ट हाइट मैम, हाँ ऐसे ही होता है, कोई शॉर्ट हाइट होता है क्या, कोई होता है ऐसा ही होता है, जैसे कि मेरी हाइट आपको पता है, यू नो अबाउट माई हाइट, मेरी हाइट भी लगभग 5'8" है. ठीक है, तो देखिए कितनी जो हाइट है, मतलब मेरी हाइट है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब होता है ये थोड़ा सा लगता है, स्पेशली एक वो चीज़, ये बस गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें, किसको क्या है क्या नहीं, टेंशन मत लो. अगर हाइट छोटी है, बड़ी है, मोटे हो, पतले हो, सांवले हो, बहुत सुंदर हो, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बस फोकस इन योर स्टडी, अप इन योर स्किल्स, है ना, तो ऑन योर स्किल्स, तो बस स्किल को इम्प्रूव करने में आप फोकस लगा दो, सारी दुनिया कैसे ना, तो सारी दुनिया को आपको आपकी नीड हो जाएगी फिर, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके चलिए, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से. सारा फर्क पड़ता है आपकी स्किल्स क्या हैं इस चीज पे. ड्यूरिंग हिज ब्रीफ सर्विस इन वर्ल्ड वॉर, इसे मैं रब कर देती हूँ, ड्यूरिंग हिज ब्रीफ सर्विस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो अभी क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने थोड़ी सी अपनी सर्विस दी थी, एंड ही सफर्ड अ लेग इंजरी इन अ प्लेन एक्सीडेंट, और इसी के दौरान ऐसा होता है यहाँ पर कि इनको इंजरी हो जाती है, प्लेन इनके जो प्लेन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको लेग इंजरी हो जाती है, और इसके बाद में इनको बहुत टाइम सफर करना पड़ा था इस चीज से. एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इन 1919, अच्छा अब सभी लोग अपनी हाइट बताएंगे क्या, इन 1919 फॉकनर एनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी एज अ स्पेशल स्टूडेंट. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब क्या हुआ था, आफ्टर सेवरल ओड जॉब्स, कुछ जॉब्स ओड सी करके ये थक गए थे, एंड इनके दौरान में क्या हुआ था, न्यूयॉर्क ही लेफ्ट एंड अगेन रिटर्न टू मिसिसिपी, तो ये क्या हुआ, न्यूयॉर्क को छोड़कर मिसिसिपी दोबारा से आ जाते हैं, एंड वेयर ही बिकेम पोस्ट मास्टर एट द मिसिसिपी यूनिवर्सिटी स्टेशन, और ये यहाँ पर मिसिसिपी स्टेशन पर पोस्ट मास्टर बन जाते हैं. आप देखो एक पर्सन मतलब कभी पोस्ट मास्टर है, कभी कहीं पर कुछ है, लेकिन अपने स्किल की वजह से कितनी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है, और आज हम उन लोग उनको पढ़ रहे हैं, इंडियंस भी पढ़ रहे हैं, अमेरिकन भी पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी पढ़ रहे हैं, सब उनको पढ़ते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो काम ऐसा ही करना चाहिए कि आपको दुनिया भर से रिस्पेक्ट मिले. He was fired in 1924 for reading on the job. अब हुआ इनके साथ में ऐसा
कि जब ये पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहे थे तो इनको पढ़ने का शौक था, अब पढ़ रहे थे वहां पर, तो ये पकड़े गए एंड इनको फायर कर दिया गया. वेरी बैड ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था. इन 1925 ही एंड हर फ्रेंड, देखिए इनके 1925 में होता क्या है, इनके और इनके फ्रेंड मेड अ वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप. तो इन्होंने यूरोप के लिए एक टूर यहाँ पर के लिए गए यहाँ पर ये, एंड इसके बाद में होम रिटर्निंग की इन्होंने 1926 में. 1926 से टू 1930 तक देखिए आप यहाँ पर, इन्होंने एक इनका जो नॉवल है ये आता है यहाँ पर 1931 में. स्पेशली फॉकनर पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ नॉवल्स यहाँ पर, जो कि क्या थी, नॉन कॉमर्शियली सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल हुई नहीं इनकी यहाँ पर. और जो साउंड एंड फ्यूरी भी है ना, वो भी बाद में जाके सक्सेसफुल हुआ था, पहले नहीं हुआ था. ओके, पांडा पूरा नाम क्या आपका, दिबस मीता नाम है आई थिंक. ओके, गुड इवनिंग मैम, जय जगन्नाथ एंड लव फ्रॉम ओडिशा, वेलकम टू बी इनक्रेडिबल. बहुत बहुत स्वागत है आपका. पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर कि सब जगह से आप लोग आते हैं यहाँ पर, अपना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम मुझे देते हैं. थैंक यू सो सो मच. आगे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, बट इन 13 ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर, बट इन 1931 द सक्सेस ऑफ सेंचुरी फ्रीड हिम. लेकिन ऐसा हुआ 1931 में इन्होंने एक नॉवल लिखा सेंचुरी. सेंचुरी से होता क्या है, फाइनेंशियल जो वरीज थी इनकी, इनसे ये फ्री हो जाते हैं, यानी कि उस वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो इस वजह से अब इनको जो मनी की प्रॉब्लम रहती थी वो नहीं थी. ही वेंट टू हॉलीवुड फॉर अ ईयर एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड एडवाइजर. जब स्क्रिप्ट राइटर की या फिर स्क्रीन प्ले की बात आए, तो आप बताएंगे कि इन्होंने 6 स्क्रीन प्ले लिखे हैं, यानी कि 6 स्क्रीन प्ले लिखे. स्क्रीन प्ले क्या होता है, यानी कि मूवी स्पेशली, तो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखना, तो इन्होंने ये भी लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है. फॉकनर्स रिनॉन. ओके मैम, नेम का सेकेंड टाइम प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है मैम. हाँ, ऐसा ही होता है ना थोड़ा सा, जब हम नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ से बिलोंग करते, तो यहाँ के नाम लेने में मुझे दिक्कत नहीं होती, बट ईस्ट के नाम है, साउथ के हैं, तो थोड़े से मुझे इशू होता है. सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज इसको माइंड मत करना आप लोग. तो फॉकनर सिनोन रीच इट्स पीक अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ मेलकम काउलेज द पोर्टेबल फॉकनर. ऐसा हुआ इनके साथ में, खासकर ऐसा होता है कभी कभी हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोगों को इतना ध्यान नहीं जाता है, बट कभी कभी कोई व्यक्ति इतना फेमस होता है तो वो अगर हमारा नाम ले देता है या फिर हमारे बारे में कुछ डिस्कशन हो जाता है, तो उससे भी जो आपकी पॉपुलरिटी है वो 3 times 2 times प्लस हो जाती है. ऐसा ही विलियम फॉकनर के साथ यहाँ पर होता है. ओके हाँ, आप देखो ये बहुत अच्छी बात है पूजा, आप कितना पॉजिटिव हैं. कुछ लोग अपने नेगेटिव थॉट्स से डिस्टर्ब करते हैं, तो वो करेंगे भी क्या, जब वो सोचते ही नेगेटिव हैं. ऑल टाइम हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव ही तो बोलेंगे, जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे. मैं तो ट्राई करती हूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में भी आती हैं, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे माइंड में अगर किसी के लिए भी कुछ भी गलत आ रहा है तो मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, या फिर मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, और जितना ज़्यादा बिजी रहोगे अपने काम में, ओके, वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए. कोशिश करें जितना ज़्यादा आप अच्छा कर सकें लोगों के लिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा. ठीक है, तो सोचिए मत नेगेटिव, तो होगा ही नहीं नेगेटिव. सबसे बड़ी बात तो ये ना, जब हर टाइम ये देखेंगे कि वो कैसा है, वो क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या कह दिया, या मुझसे अच्छा करा रहा है, ये तो ये कैसे करा सकता है. अरे सब है, हर कोई अपने कमाने का जरिया ढूंढ रहा है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है. अब क्या हमेशा ये देखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है. आप लोगों को सबसे अलग, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना किसी और सब्जेक्ट के हैं. आखिर आप साहित्य पढ़ते हैं, और साहित्य आपको क्या करता है, आपके बिहेवियर को पॉजिटिव वे में चेंज करता है. सो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वही चीज दिखाई देनी चाहिए. ओके, तो मैंने बताया इनका नाम ध्यान रखना, जो मेलकम काउले हैं, मेलकम काउले ध्यान रहेगा, याद करो मेरे साथ में, रिपीट आफ्टर मी, मेलकम काउले. इनका एक वर्क है द पोर्टेबल फॉकनर, मतलब इन्होंने इनके बारे में एक टाइटल दिया द पोर्टेबल फॉकनर, बस इसी से ही बंदा हाय ओके यहाँ पर वायरल हो गए. अब इसके बाद में इनकी पॉपुलरिटी बढ़ी, लोगों ने इनको पढ़ा, एंड 1949 तक आते आते नोबेल प्राइज भी सर को दिया गया, इतना बड़ा ऑनर इनको मिला है.
ओके टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, होप सो कि आप हमेशा हमेशा नहीं रहता है. लिटरेचर तो वैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं हर तरीके से पढ़ाऊंगी, तब उनके लिए आप पढ़ सकते हैं, बट कोशिश करें 1 or 2 years के अंदर, विद इन 1 or 2 years आपको सेलेक्ट, जो सिलेक्शन है वो होना ही होना चाहिए, है ना. जिंदगी को एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा आप इसी में लगे रहे कि बस सक्सेस सक्सेस सक्सेस. ठीक है, तो सक्सेस से आप क्या होगा, पहले अपनी सोच रहे हैं, फिर बच्चों की सोच रहे हैं, फिर बच्चों की सोचने लग जाएंगे. इतनी टेंशन नहीं, जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो, ऐसा ही हो रहा है आजकल तो, बीमारियां वगैरह कितनी चलती रहती है, पता थोड़ी ना है कि कब तक बंदा है, पता ही नहीं है कुछ भी. तो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो, अच्छी मेहनत करो, डेफिनेटली काम हो जाएगा. ही इज द ओनली मिसिसिपी बोर्न नोबल लॉरेट. वो एकमात्र क्या थे, मिसिसिपी में पैदा होने वाले नोबल लॉरेट थे. ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को. ओके, टू ऑफ हिज वर्क्स अ फेबल 1954 एंड हिज लास्ट नोवेल द रेवरीज 1962 वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन. याद करो मेरे साथ, पुलित्जर प्राइज सर को 2 times मिला, करिए मेरे साथ में याद, 2 बार सर को क्या हुआ, विलियम फॉकनर को ऑनर दिया गया पुलित्जर प्राइज. वेरी फर्स्ट टाइम फॉर फॉर विच वर्क, तो कौन सा वर्क है इनका, द फेबल, सॉरी अ फेबल है, द फेबल नहीं है, अ फेबल है 1954. ध्यान रहेगा अ फेबल 1954 में इनको मिला इसके लिए. एंड इसके बाद में द रिवर, तो द रिवर्स जो है इनका 1962, इसके अंदर इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया. तो प्लीज इन फैक्ट्स को याद रखना, कुछ और याद रखो मत रखो, पर प्लीज ये पॉइंट आप प्लीज मत भूल जाना. फॉकनर, फॉकनर हैड मैरिड एस्टेले ओल्डहम. एस्टेले का नाम ध्यान रखेंगे, एस्टेले जो है यहाँ पर ओल्डहम एक्चुअली इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और बिलव थी, आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड भी थी, बट पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, इन्होंने किसी और पर्सन से शादी कर ली थी 1918 में. 1918 में एक अनदर पर्सन से इन्होंने शादी कर ली थी, फॉकनर को अवॉइड किया. एंड 1929 में आप देख रहे हैं हो क्या गया. इसके बाद इन्होंने इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड को तलाक दिया, डाइवोर्स हुआ उन लोगों का, एंड फिर से उन्होंने फॉकनर से शादी की, कब, 1929 में. ओके, तो ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है. एंड दे लिव टूगेदर इन ऑक्सफोर्ड अंटिल हिज डेथ, और ऑक्सफोर्ड स्टेट के अंदर ये हमेशा अंटिल डेथ, यानी कि हमेशा जिंदगी भर फिर साथ रहे. ओके ओके, आशीर्वाद दीजिए, मैं इतनी बड़ी हो गई, आशीर्वाद दे. ओके चलिए, मैं कॉमेंट ज्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो प्लीज मुझे अवॉइड, मैं देखना इसलिए पड़ रहा है कि मेरी वॉइस इशू ना हो जाए कोई, बस ये रीजन है और कुछ नहीं है. विलियम फॉकनर डाइड ऑन जुलाई 6, 1962. विलियम फॉकनर की डेथ हो जाती है, हॉर्स घोड़े से गिर गए थे ये, तो फिर उसके बाद ये ठीक नहीं हो पाए, एंड यहाँ पर इनकी 1962 में डेथ हो जाती है इन अ हॉस्पिटल इन भेलिया मिसिसिपी, मिसिसिपी में. और 64 ईयर थी इनकी एज जब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. ओके, होप सो कि आपको पूरी बायोग्राफी क्लियर हुई होगी. कुछ पोएट्रीज हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी हैं, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज. तो पोएट्री है इनकी यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे, During the early 1920, Faulkner wrote poetry and fiction. यहाँ पर in the volume of verse, the Marble Faun. इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसलिए बोल जाता है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा कलेक्शन होता है पोएट्री का. तो द मार्बल फोन 1922 में आता है. अ प्रिंटर्स एरर, इसमें एक एरर हो जाती है इनके साथ में. क्या एरर हो जाती है कि यहाँ पर जो यू है फॉकनर में, यू एड हो जाता है. क्या एड हो जाता है फॉकनर में, यहाँ पर ये यू जो है बाई चांस ये एड हो जाता है, बाई मिस्टेक एड हो जाता है. बट फिर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं फॉकनर कि वो इसी के साथ में कैरी करेंगे आगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे, शायद इनको लगा कि ये बेटर है इनके लिए इस वजह से. ओके मैम, पुलित्जर प्राइज 1955 में भी मिला था, तो आई थिंक मैंने सही लिखा होगा मेरे ख्याल से, अ फेवर नहीं, वो एक्चुअली पुलित्जर प्राइज की बात नहीं कर रहे, अभी हम करेंगे उसके बारे में 1954. चलिए मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास बुक भी है अगर ऐसी बात है तो. ओके 1955 में दिया हुआ है एक टाइम पे और दूसरी टाइम, ये बड़ा इशू रहता है वैसे, मैं एग्जैक्टली भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं. चलिए इस बुक में तो 1955 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम 1955 कर लेते हैं. वैसे ये ना कॉपी पेस्ट है विकिपीडिया से, तो मतलब ये मैंने नहीं लिखा है, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट है, तो हम 1955 50 ये कंसिडर कर लेंगे, क्वेश्चन में आएगा तब हम देखेंगे दोबारा से इसको. ठीक है,
तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा इसलिए जल्दी, क्योंकि मैंने भी अपने हाथों से नहीं लिखा है, कॉपी पेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर हिज फ्रेंड फिलिप स्टोन, जो इनके फ्रेंड हैं फिलिप स्टोन का नाम ध्यान रखना, फिलिप स्टोन से इनकी मुलाकात होती है 1918 में ही मुलाकात हुई थी, जो कि इनके मेंटर भी बने थे, यानी कि इनके सपोर्ट बने सपोर्टर बने थे। सप्लाइड मनी फॉर अनदर बुक्स ऑफ पोएम, इन्होंने इनको मनी सप्लाई की द ग्रीन बाउ के लिए, तो जो ग्रीन बाउ है 1933 इसमें इन्होंने क्या हुआ कि इसके लिए मनी सप्लाई की थी। तो इनके मेंटर कौन थे, यहाँ पर फिलिप स्टोन थे, याद करो कि इनके मेंटर कौन थे, फिलिप स्टोन थे, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, फॉकनर इज कंसिडर्ड अ फाइन राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, और इनके जैसे कुछ वर्क है यहाँ पर, आ रोज फॉर एमिली है, दीज 13 है, डॉक्टर मार्टिनो एंड अदर स्टोरीज, गो डाउन, मोजेस एंड अदर स्टोरीज, नाइट गैमेट, तो ये सब वर्क्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। अर्ली नॉवल्स देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली नॉवल्स को देखिए कि जो शुरुआती नॉवल्स थे इनके, तो सोल्जर्स पे 1926 याद रहेगा, वेरी फर्स्ट नॉवल इज सोल्जर्स पे 1926, मॉस्किटोज 1927, सार्टोरेस 1927, ओके। फॉकनर्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन विच ही बिगिंस हिज योकना, पूरा नाम है योकना पटावाफा, क्या बोलेंगे इसको, योकना पटावाफा सागा, ये एक क्या है फिक्शनल, इनका रीजन है स्पेशली फिक्शनल है ये, यानी कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक क्षेत्र इन्होंने अपने ऐड किया हुआ है, रीजन है कि जिसके में ये अपनी स्टोरी की सेटिंग रखते हैं, ठीक है। द साउथ एंड द फ्यूरी 1929, एज आई ले डाइंग 1930, ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बाकी आगे चलते हैं। लेटर वर्क्स हम देखते हैं यहाँ पर, लेटर में फिर से मैं अगेन बताऊंगी यहाँ पर, एज आई ले डाइंग 1930 इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एन एब्सर्ड एपिक, एब्सर्ड क्या होता है, तो व्हाट डज इट मीन बाय एब्सर्ड, तो एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, बेवजह, बस ऐसे ही कनेक्शन नहीं लगता आपको कि किसी चीज में कि कैसे चीजें कनेक्ट होंगी, बस कहीं भी कभी कुछ सीन हो जाता है, कभी कहीं से कोई एक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आपको दिखेंगे जो आपके समझ से बाहर होते हैं, तो उसे हम एब्सर्ड टेक्निक बोलते हैं। तो एन एब्सर्ड एपिक द यूज इज द मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड टू टेल द रेडिकुलस ह्यूमरस स्टोरी ऑफ अ फैमिली ऑफ अ फोर पुअर वाइट्स इंटेंट ऑन फुलफिलिंग द मदर्स डेथ बेड रिक्वेस्ट फॉर बरियल, इसमें जो बेटा है वो तैयार करता है उनका डेथ बेड, जो उनकी कॉफिन है उनके सामने ही, वो बीमार रहती है, जिंदा रहने के चांसेस नहीं है, तो बेटा जो है तैयारी कर रहा है उनके पहले से पहले ही। द स्टोरी इन लाइट इन अगस्त 1932, ठीक है इसको ध्यान रखेंगे, टेक्स प्लेस इन अ सिंगल दे, ये एक ही दिन के अंदर पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, यानी कि पूरे ऐसा होता ना कि एक ही दिन की पूरी कहानी लिख दी, कोई इंसिडेंट हुआ तो इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉकनर्स क्रिएटिविटी डिक्लाइंड आफ्टर, चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ, जाके आगे चल के पूछूंगी। द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट, एब्सोलम एब्सोलम, द वाइल्ड पाम्स, ओके साम्स नहीं है, द वाइल्ड पाम्स ही है, गो डाउन, मोसेस एंड द रेवर्स, ठीक है इनको ध्यान रखना है, इनकी डेट इसकी ध्यान रखो 1962 की, एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो वर्क है इनका, द साउंड एंड फ्यूरी 1929, ओके। चलिए साउंड एंड फ्यूरी के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको, मैम प्लीज टेक मी हु इन द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आई थिंक फिलिप सिडनी नाम है मेरे ख्याल से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक बार मैं देख लूंगी चेक करूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है एकदम से मेरे माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जैसे वर्जीनिया वुल्फ है और जेम्स जॉयस है, ये सब माइंड में आ जाएंगे एकदम से, लेकिन शायद वो चीज़ एकदम से याद ना आए फिर भी, और बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है फैक्ट्स थोड़े से माइंड से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट में कह दूं कि यही है और वो ना हो, तो वर्जीनिया वुल्फ वगैरह जो है ये कंसिडर की जाती है, बहुत अच्छा वर्क किया है इन्होंने इसके अंदर, बट फिर भी आप एक बार मैंशन कर देंगे, ठीक है जिसको पता है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर साउंड एंड फ्यूरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम फॉकनर, यू हैव टू स्टडी, ओके। तो द साउंड एंड द फ्यूरी ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम अ सोलिलोक्वी, ये क्या है बस एक फैक्ट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये टाइटल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये कहाँ से दिया गया है, शेक्सपियर ने एक ट्रेजेडी लिखी है मैकबेथ, वेरी हिट ट्रेजेडी, बहुत ही हिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब उससे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग होगा ही क्या, तो मैकबेथ लिखा है उन्होंने, मैकबेथ में एक्ट 5 और सीन 5 के अंदर होता क्या है, जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ये न्यूज आती है मैकबेथ के पास में,
तब वो इन लाइंस को रिपीट करते हैं और मतलब इन लाइंस को लिख बोलते हैं, सलीलक्वी है यानी कि अपने माइंड में सोच रहे हैं, असाइड नहीं है, सलीलक्वी है, अपने माइंड के अंदर चल रहा है, क्या सोचते हैं। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर दैट स्टर्स एंड फेड्स हिज आउट अपॉन द स्टेज। लाइफ क्या है, कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, बट अ वॉकिंग शेडो, एक चलती फिरती छाया है, अ पुअर प्लेयर, और एक बहुत ही पुअर प्लेयर है, जैसे एक एक्टर्स होते हैं ना, किसी को अच्छी एक्टिंग करनी नहीं आती है, तो लाइक दैट दैट स्टर्स एंड फेड्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। जो क्या करता है, जो उसका जितना टाइम उसको दिया गया है, एक एक्टर के एक टाइम होता है ना कि इतने टाइम आपको डायलॉग बोलना है, स्टेज पर आता है तो वो क्या करता है, बस कोलाहल मचाता है एंड देन इज हर्ड नो मोर, और उसके बाद वो चला जाता है, उसके बाद पता भी नहीं चलता है कहाँ गया। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये क्या है, लाइफ जो है वो टेल है जो कि एक इडियट के द्वारा ये मतलब टेल जो है बताई गई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। यहाँ पर फ्यूरी मतलब होता है वाइल्ड, फ्यूरी मीन एनीथिंग विच इज वेरी वाइल्ड इज कॉल्ड फ्यूरी, फुल ऑफ देखिए फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, तो यहां से ये टाइटल इन्होंने ले लिया, सिग्निफाइंग नथिंग। विलियम फॉकनर फोर्थ नॉवल है ये, ध्यान रखना विलियम फॉकनर का ये कौन सा नॉवल है, तो फोर्थ नॉवल है। पब्लिश कब हुआ, 1929 में पब्लिश हुआ। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ द कैम्पसन फैमिली, इसमें कैम्पसन फैमिली की कहानी है, ठीक है, कैम्पसन फैमिली की कहानी है जिसमें क्या है, इनके तीन बेटे हैं और एक इनकी बेटी है। मैं एक बार बता देती हूँ नाम सबके, देखिए इसमें क्या है, तीन इनके बेटे हैं, ए फर्स्ट जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है क्वेंटिन, एंड इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है कैडी जो कि इनकी डॉटर है और जो कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से जो क्वेंटिन है वो यहाँ पर सुसाइड करने का डिसीजन लेता है, रिवर में डूबकर जान भी दे देता है, ठीक है। फिर फोर्थ यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है जैसन फोर्थ, जो कि अपने फादर के नाम पर ही है, तो जैसन कैम्पसन थर्ड इनका नाम, एंड इनके जो बेटे हैं उनका नाम क्या है, जैसन फोर्थ। एंड इसके बाद में बैंजी है जो कि सबसे छोटा है, बट वो मेंटली वीक है, मेंटली डिप्रेस्ड है, यहाँ पर मेंटली डिसेबल है, जिसका ख्याल सबसे ज़्यादा कौन रखती है, कैडी रखती है, इनकी एकमात्र जो बहन है कैडी, वो रखती है बैंजी का ख्याल, बट वो भी जो कैडी है उसके इस बिहेवियर की वजह से, ठीक है, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि उसने इस चक्कर में क्या हुआ है कि अपना जो नेबर है, इनका नेबर का नाम क्या है, ध्यान करो मेरे साथ बोलो, डेल्टन एमएस, डेल्टन एमिस जो है उसके साथ में उसके फिजिकल रिलेशंस की वजह से क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड उसकी वजह से इसको इसका डिवोर्स होता है। किस वजह से, क्योंकि उसको मालूम था जब हर्बर्ट से शादी की थी, एक बंदा है इसमें हर्बर्ट जो कि बैंकर है और जिसने कि ये प्रॉमिस किया है कि कैडी से कि मैं तुम्हारे भाई को जॉब दूंगा अगर तुम मतलब शादी करते हो, तो फिर यहाँ पर ये छिपाती है इस चीज़ को कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, किसके द्वारा, जो डेल्टन एमएस है जो कि उसका नेबर था, तो वो प्रेग्नेंट है इस वजह से, एंड फिर वो छिपा लेती है इस चीज़ को, बट बाद में उसको जब पता चलता है कि ये बच्ची मेरी नहीं है, क्योंकि बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम क्या रखते हैं, मिस क्वेंटिन रखते हैं, किसके नाम पर रखते हैं, बड़े भाई के नाम पर रखते हैं, तो इनको जब पता चलता है कि वो ऐसी है तो वो उसको डिवोर्स दे देते हैं, एंड जैसन को भी जॉब जो होती है उससे निकाल दिया जाता है। एक करेक्टर और है इसमें, इनकी जो कुक है जो कि सब बच्चों का ख्याल रखती है, तो वो कौन है, डिल्से गिब्सन। तो डिल्से गिब्सन जो है वो ख्याल रखती हैं किसका, सारे जितने बच्चे हैं, क्योंकि जो मिसेस कैम्पसन है वो इतनी केयरिंग नहीं है अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद में जब कैडी की जो डॉटर होती है, जब कैडी को तो घर से निकाल दिया जाता है इन सारे इंसिडेंट के बाद में, तो उनकी जो डॉटर होती है उसको रख लेता है, जो ये जैसन फोर्थ है, क्योंकि वही एकमात्र है जो केयर कर सकता है, बाकी क्वेंटिन की डेथ हो जाती है, वो इस बात को सहन नहीं कर पाता अपनी सिस्टर की इनएक्टिविटीज़ को, मतलब वो नहीं कर पाता, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या होता है, उसके साथ में जो बैंजी है वो ऑलरेडी ही मेंटली डिसेबल है, तो इसमें होता क्या है कि लास्ट में जो इनकी जो कुक है डिल से, वो क्या करती है, वो ही ख्याल रखती है जो इनकी डॉटर होती है मिस क्वेंटिन, तो उसका ख्याल रखती है, ठीक है। तो ये एक ऑल ओवर कहानी है, कुछ करेक्टर्स हैं जो आपको इस कहानी में दिखेंगे, थोड़ी सी अजीब व गरीब सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कहानी लिखी गई है। तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर्थ, जैसे मैंने आपको सुना दी ये कहानी आपको थोड़ी सी इजी लगी है ना, बट ऐसा नहीं है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो उन्होंने इसी स्टोरी को यहाँ पर इन जो इनके फोर जो थ्री ब्रदर हैं, किसके, कैडी के तीन भाई हैं, क्वेंटिन है, जैसन है और बेंजी है, इन तीनों ने अपने अपने अलग तरीके से वो कैडी के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो बहुत ही लेंथी नॉवल है और बहुत ही टिपिकल है आपको इसको रीड करने में या फिर समझने में।
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें नरेशन चलता है यहाँ पर, क्वेंटीन, जैसन और बेंजी, और फोर पार्ट्स हैं। आपसे पूछा जाए कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो फोर पार्ट्स हैं। ओके, दैट्स एनफ फॉर विलियम फॉकनर। ओके चलिए, इतना हुआ। हाँ, जेम्स जॉयस यूज्ड आफ्टर मोर, आपने क्या बताया, मेन आदमी बताइए ना, जेम्स जॉयस तो बाद में आते हैं आपके। अच्छा, मतलब आप लोगों ने, किसी ने आंसर ही नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया आंसर भी अभी तक? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, ठीक है? अभी तक तो आप एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे पूछने जा रही हूँ क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा जरा पानी पी लूँ। इतने आप रेडी कीजिए अपने आपको, ठीक है? सारे फैक्ट्स देख लीजिए, रिमेम्बर है या नहीं है, बस वेट फॉर अ मिनट। ओके चलिए, हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन, वी हैव फोर ऑप्शंस हियर, ट्राई टू गिव आंसर। ओके, चूज द करेक्ट वन, 25th September 1897 और व्हाट, बताइए जल्दी से बताएं मुझे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए मैं फटाफट से करती हुई चलती हूँ, ये शायद थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा है, या हो रहा है, दिख रहा है, कोई इशू नहीं है आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज 25th September 1897। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, 25th September 1897 क्या आंसर है, याद कर लिया ना आप लोगों ने, तो मैं कई बार करा चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने डिटेल भी लिखी हुई है आपके PDF में, हर क्वेश्चन के साथ में डिटेल भी है, ताकि आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े, और यही सारे फैक्ट रिवाइज हों, तो आपके PDF में हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? इतनी मेहनत तो मैं कर ही लेती हूँ। तो देखिए, अमेरिकन राइटर नॉन फॉर हिज नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल योगनापटावफा, क्या नाम है ये, योगनापटावफा, बड़ा अजीब सा नाम है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, इस कंट्री में सेट है इनकी सारी स्टोरीज, एक दो को छोड़कर। एंड बोर्न, जन्म कब हुआ है, अगेन रिपीट कर लीजिए, विलियम कुथबर्ट फॉकनर, September 25, 1897, न्यू एल्बनी, मिसिसिपी, US, एंड डाइड इन July 6, 1962, एज 64, बेलिया, मिसिसिपी, US। इज इट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज, फॉकनर वॉज, आई टेल यू वन थिंग, ओके, कि मैंने आपको भी, आई जस्ट टोल्ड यू कि क्या बताया था, कि फॉकनर को यहाँ पर दो इंसिडेंट उनके साथ में हुए थे, तो तब उनको क्या हो गया था, जल्दी से बताएं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, यहाँ पर एन एल्कोहोलिक, तो यहाँ पर सर जो थे वो क्या थे, एल्कोहोलिक हो चुके थे। इन April 1918 हिज चाइल्डहुड स्वीट हार्ट एस्टिले ओल्ड हेम, एस्टिले होल्डम जो हैं, ये क्या थी, इनकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी, एक्चुअली इन्होंने मैरिड अनदर मैन जिसका नाम था कॉर्नल फ्रैंकलिन, कॉर्नल फ्रैंकलिन से तो इन्होंने शादी कर ली, एस्टिले ओल्डम, इनको अवॉइड किया। एंड दूसरा यहाँ पर इंसिडेंट था, द सेम ईयर ही ट्राइड टू एनलिस्ट इन US आर्मी, बट ही वॉज टर्न डाउन बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट। लेकिन तभी क्या होता है, यहाँ पर US आर्मी से भी इनको शॉर्ट हाइट की वजह से निकाल दिया जाता है। तो ये दो इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इनको बहुत हर्ट किए, एंड ही बिगेन टू ड्रिंक हैवीली, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, एंड रीलोकेटेड टू न्यू हेवन। फिर इसके बाद में इन्होंने दोबारा से कहाँ पर अपने जो है चले गए, न्यू हेवन में चले गए, यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं जब जितना लिटरेचर पढ़ती हूँ ना, या लाइफ के इंसिडेंट्स देखती हूँ, तो मुझे लगता है अगर हम मतलब मोटिवेटेड हैं, और कभी भी हम क्या होते हैं कि हम ऐसा, जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाती है कि रोने धोने की बजाय अगर हम एक यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं ना, कि हाँ क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर दिमाग काम नहीं करता है, हमारी जो कॉमन सेंस होती है वो क्या हो जाती है, बहुत डाउन चली जाती है, तो उस टाइम वर्क नहीं करती है।
उस टाइम पर अगर हमें कोई बताने वाला मिल जाए या फिर हमें खुद कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश करें तो एक दिन बेटर होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने ना ये देखा होता है, वो जो आपकी परीक्षा ले जा रही है वो इसलिए ले जा रही है कि क्या आप इससे बाहर निकल सकते हैं या फिर आप में इतना गट्स ही नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स होंगे तो देखिए ये इस चीज से बाहर निकले। एंड यहाँ पर मुलाकात हुई किससे, फिल स्टोन से। तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल स्टोन इनके आगे चल के मेंटर बनते हैं, फाइनेंशियली इन्होंने सपोर्ट किया इनको, इनकी बुक पब्लिश हुई तो ये बहुत अच्छा हुआ इनके साथ में। एंड इसके बाद जाके देखिए कि इसके बाद जो कि ये उम्मीद छोड़ चुके थे एस्टेले ऑल्डहम भी इनको मिलती हैं। तो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बस स्थितियाँ कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो हमें उस टाइम पर सर्वाइव करना है, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज ही वॉज फॉकनर्स फ्रेंड। ये फॉकनर के फ्रेंड है, इन्होंने एंकरेज किया फॉकनर को टू राइट नॉवल्स, नॉवल्स लिखने के लिए। द फ्रेंडशिप केम टू एन एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर। तो इनकी जो लिकर की जो हैबिट है इसी की वजह से फ्रेंडशिप भी एंड हो जाती है। तो बताइए, चूज अ वन, एस एंडरसन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हेमिंग्वे या फिर वॉलेस स्टीवन है, क्या आंसर हो सकता है बताएं। ओके, लिटरेचर टीचिंग स्टाइल गजब है मैम, बस आपको गजब ही होना है, जब भी कोई काम करो ना उसमें गजब तरीके से करो, काम गजब तरीके से करो भैया, तो अपने आप ही काम जिनके लिए किया जा रहा है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, काम जिनके लिए किया जा रहा है वो अप्रिशिएट करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उनका काम बनेगा, यानी कि उनके जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर वो आपको ऐसे ही बोलेंगे मैम गजब था, आप गजब थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कोई भी काम करो ना अपने हाबी को उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, कोई भी काम ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया, कुछ भी प्रॉमिस कर दिया या कोई भी चीज़ है, आपको अपनी तरफ से, दूसरी तरफ से क्या हो जाए कुछ नहीं पता, अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम इसको पूरे टास्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक तो ये माइंड में होना चाहिए कि हमें टास्क को कंप्लीट करना है, दूसरा माइंड में होना चाहिए कि जो सामने वाला है उसको 110% जाना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए, ठीक है, काम उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं, बस यही गजबपन होता है। और ये गजबपन अगर आपके अंदर आ जाता है तो फिर तो बात ही क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर वुड बी एस एंडरसन। तो एस एंडरसन को इनके फ्रेंड थे बट बाद में इन्होंने इनको इनसे बात करनी बंद कर दी। बैड हैबिट रहेंगी तो कौन ले गया साथ में जब नहीं मान रहे हैं। Faulkner was awarded Pulitzer Prize two times in 1955. देखिए वो 1954 I think date थी A Fable की, okay? In 1955 for his novel A Fable and then posthumously in 1963, okay? तो 1963 इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि 1962 में reserve रखा गया था इनका जो prize है, और फिर वो check कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसमें okay points लिखे हुए हैं, पहले आप बताइए मुझे, हाँ बताए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आंसर है आपका द रिवर्स के लिए। तो इनको क्या होता है देखिए इसका, इसको आगे टाइटल में आप जाएंगे तो डिस एम्बिग्वेशन, एम्बिग्वेशन यानी कि जब हम कोई डायलेमा में होते हैं तो वो एम्बिग्वेशन सिचुएशन कहलाती है। एंड यहाँ पर डिस एम्बिग्वेशन है ना कि उस चीज से बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो द रिवर्स यहाँ पर जो है आर रेमिनिसेंस पब्लिश्ड इन 1962 में ये पब्लिश होता है। देखिए वो डेट जो थी ना वो वर्क की डेट थी, ठीक है। Is the last novel by the American author William Faulkner. तो ये last novel था जो कि William Faulkner लिखते हैं। The best selling novel was awarded the Pulitzer Prize for fiction in 1963. तो Pulitzer Prize जो मिला इनको 1963 में मिला था, तो उसको ध्यान रखना, वो date जो थी वो work के publish होने की date थी, and ये जो date है उसके next year में आप जाएंगे तो Pulitzer Prize इनको मिला वो date है। Faulkner's previous, देखिए previously won this awarded for his book A Fable. A Fable के लिए भी ने मिल चुका है। और जो ये novel है The Rivers, ये क्या है इनका, it is a picaresque novel. आपको पता है picaresque novel होता क्या है, मैंने आपको novels पढ़ाए हैं ना, सारे types पढ़ाए हैं, जितने types सबसे पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था picaresque novel. picaresque novel यानी कि जब जो protagonist होता है, जो hero होता है, वो क्या होता है, उसकी सोशल वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। यानी कि एक आवारा सा लड़का, ठीक है, ऐसे ही इधर उधर घूमता हुआ, बट वो सारी चीजें उसके साथ सोसाइटी में गलत होती हैं, बट फिर भी वो उन सब चीजों को सफर करता हुआ, उन हर्डल्स को सहन करता हुआ, उनसे उनको फेस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिकारस्क। पिकारस्क यानी कि कोई रगिश पर्सन।
तो डिपिक्ट द एडवांस, देखिए इसको मैंने लिखा भी है यहाँ पर, डिपिक्ट द एडवेंचर ऑफ अ रगिश, ये क्या करते हैं, ये डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं जो पिकारेस्क नॉवल होते हैं वो एडवेंचर ऑफ रगिश, यानी कि जो कोई ऐसे ही आवारा निकम्मा घूम रहा है, बट अपीलिंग हीरो, लेकिन ये क्या होता है, ये हीरो स्पेशली, क्योंकि हीरो किस लिए है, वो यहाँ अपील करता है हीरो के लिए, बिकॉज यूजली ऑफ लो सोशल क्लास, लो सोशल सोशल क्लास से वो कंसर्न रखेगा, हु लिव्स बाय विथ्स इन अ करप्ट सोसाइटी, अपनी बुद्धि से जो करप्ट सोसाइटी है उसको फेस करता है. चलिए, होप सो इट इज क्लियर टू यू, कम टू द नेक्स्ट. When did Faulkner receive the Nobel Prize? Okay, now we know all the facts, so it is very easy to answer. यहाँ पर आंसर करना आपके लिए वेरी इजी है, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा फटाफट से, आंसर इज हाँ 1949. तो 1949 में ही गॉट नोबेल प्राइज, फॉर वॉट, फॉर वॉट वर्क, ध्यान रखना है, नहीं, नोबेल प्राइज मोस्ट ऑफ वर्क्स के लिए नहीं दिए जाते हैं, कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, टेक्निक होती है, कोई स्किल होती है जिसके लिए आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1949 वॉज अवॉर्डेड टू विलियम फॉकनर फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल. तो ये भी आजकल लिखा हुआ आ रहा है, ये मत सोचना, डोंट ट्राई टू अवॉइड द फैक्ट, कि इसको आप अवॉइड करें, यहाँ पर इसकी नीड नहीं है. बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहां से आपसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चा किस लिए मिला था, कौन से स्किल थी, क्यों दिया गया. जैसे कि आप लटके बैठे रहते हो, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको गीतांजलि के लिए मिला भैया, एक आप रट लेते हो कि जो फोरसाइट सागा है उनके लिए, उनको क्या मिला, जो गाजवर्दी हैं उनको नोबेल प्राइज मिला. तो ऐसा नहीं है, ये फैक्ट ट्रू नहीं है. हाँ, ये पता लगे कि वो वर्क उन्होंने लिखा उसके बाद उनको ये प्राइजेस दिए गए, बट जब आप नोबेल प्राइज की पूरी लिस्ट देखते हैं ना वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, इसी तरह की क्वालिटीज मेंशन होती हैं, ऐसी स्किल्स मेंशन होती हैं कि किस लिए हम उनको, उनके इस वर्क में कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसलिए हमने उनको ये हमें सेलेक्ट किया है इनको यहाँ पर, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है. तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा रही है, पेपर टफ होता जा रहा है, तो प्लीज इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे. विलियम फॉकनर रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज वन ईयर लेटर 1950, लेकिन विलियम फॉकनर ने क्या किया, क्योंकि ये उस ईयर में रिजर्व रखा गया था ये सारे प्राइज जो है, और 1950 में इन्होंने रिसीव किया था इसको. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. We have the question, देखिए, the imaginary country, योकना पटावाफा, ठीक है, occurs in the novels of, very easy to you, तो बताइए क्या होगा आंसर. तो आंसर इज विलियम फॉकनर. अब तो ये भूलना नहीं, और ये आता रहता है क्वेश्चन, योकना पटावाफा के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स जान लीजिए, शायद आप लोगों से पूछ लिए जाए. योकना पट, इसको आप अगर इसको यहाँ पर अगर रूट वर्ड्स के अंदर लेकर जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रेक होगा टू वर्ड्स में, योकोना एंड पेटोफा. ठीक है, क्या है योकोना एंड पेटोफा, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो कि क्या है, स्प्लिट है, स्प्लिट है, ठीक है, तो जो स्प्लिट लैंड है उसको यहाँ पर, और स्पेशली जो योकना, यहाँ पर जो योकना है तो वो एक रिवर है, तो उससे कंसर्न करता है. तो यहाँ पर ये कंट्री है इनकी, ठीक है, काउंटी है, अफिक्शनल मिसिसिपी कंट्री, ये क्या है, कंट्री नहीं बोलेंगे, काउंटी बोलेंगे इसको, अफिक्शनल मिसिसिपी काउंटी है, यानी कि एक फिक्शनल है, एक इमेजिनेशन है जो कि मिसिसिपी से रिलेट करती है. क्रिएटेड बाय द अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर, इन्होंने ये क्रिएट की है, लार्जली बेस्ड अपॉन द इंस्पायर्ड बाय, देखिए यहाँ पर इंस्पायर्ड किससे है ये, तो ध्यान रखना लैफायेट जो काउंटी है इससे इंस्पायर्ड है, जो कि मिसिसिपी में है. फॉकनर ऑफन रेफर टू, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अक्सर ये अपने इस स्टेटमेंट में, मतलब अपने स्टेटमेंट में क्या रेफर करते थे योकना पटावाफो को, तो ये कहते थे, तो देख लीजिए इसको, एज माई एप्रोकेफर कंट्री, यानी कि ये बोलते हैं, सॉरी मैं इसको कंट्री बोल रही हूँ बार बार, काउंटी है. यहाँ पर देखिए इनको क्या किया, इन्होंने रेफर किया है माई एप्रोक्रिफल, एप्रोक्रिफल में मनगढ़ंत, यानी कि फिक्शनल, तो ये कैसी काउंटी है इनकी, तो यहाँ पर एपोक्रिफल है जो कि फिक्शनल है, फिक्शनल मतलब इमेजिनरी है. ओके, तो ये फैक्ट है, कुछ ध्यान रखने आपको, ये वाला पॉइंट आ सकता है कि माई एप्रोक्रिफल काउंटी, तो इसको बताइए कि किसने बोला, तो आप बताएंगे फॉकनर ने कहा है, और किसको कहा है, योकना पटावाफा को कहा है. नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन रिटन अबाउट द फॉकनर्स फिक्शन,
अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था आप लोगों से कि ये बताइए कि कौन से पार्ट को स्पेशली इन्होंने टारगेट किया है, इनका मोटिव क्या था, क्या अमेरिकन ने स्पेशली आपको बताना है, नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, ईस्टर्न है या फिर वेस्टर्न है, बताइए जल्दी से। हाँ, सेवन का यहाँ पर आंसर होगा सदर्न पार्ट, जो सदर्न पार्ट है, द सदर्न पार्ट ऑफ यूएस या फिर यू कैन से अमेरिका, तो इसको ये यहाँ पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ओके, मोर फोकस्ड आफ्टर हिज डिफीट इन सिविल वॉर, तो जब इसकी जो इट्स बोलेंगे, जो सदर्न पार्ट था इसकी डिफीट हो गई थी सिविल वॉर में, सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जो होते हैं एक ही कंट्री के अंदर सेम पीपल आपस में लड़ते हैं, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत, इसके बाद में इन्होंने इस पर ध्यान देना ज्यादा शुरू किया था। ऑक्सफोर्ड इज द मोड फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन, ये भी ध्यान रखना, जो ऑक्सफोर्ड यहाँ पर स्टेट था उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, जेफरसन नाम दिया है, ठीक है। एंड देखिए दूसरा जो है यहाँ पर क्या है, स्पेशली लेफियट जो कंट्री है, तो ये लेफियट कंट्री है, विच कंटेन द टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड, इट इज द मॉडल फॉर, तो इनका जो ये मॉडल किस लिए बना, किसके लिए बना, तो वेरी इजी टू यू, योकना पतवाहा कंट्री, ये कंट्री है काउंटी है, एक बार मुझे भी रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, आई थिंक काउंटी ही है ये, ठीक है, क्योंकि स्टेट में लिया गया ना इस वजह से। वेसेक्स किसका है, देखिए एक ही सुसेक्स भी तो पीबी शैले से रिलेट करता है, जो पीबी शैले हैं उनसे रिलेट करता है सुसेक्स, एंड जो वेसेक्स है वो किससे रिलेट करता है, जल्दी से बताइए, यहाँ पर हार्डी से, तो हार्डी जो फिक्शनल है स्पेशली उनका रीजन वो कौन सा है, वेसेक्स है, सुसेक्स, ये सब ध्यान रखने आपको, योकना पतवाफा मालगुडी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इमेजिनरी टाउन है जो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, ग्रामर क्लास भी पढ़ा दिया करें मैडम जी, ये तो मैं अभी, मेरा मोटिव कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पढ़ानी है, ठीक है, हाँ मैं कोशिश करूँगी, बट मेरा इंटरेस्ट जो है मैं उसको ही, पैशन को ही फॉलो करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हम ज़्यादा खुश होते हैं पढ़ाते हुए, उसमें 100% देते हैं, तो दैट्स द ओनली रीज़न। थॉमस, देखिए यहाँ पर एक वर्ड या एक नेम दिया हुआ है, जो नाम है ये आपसे पूछा गया लास्ट जो ईयर आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपसे पूछा गया जो थॉमस यहाँ पर सुटपन है, ओके, तो ये जो है ये कौन है, प्रोजेनिटर है यहाँ पर, इन्होंने आप ये बताना है जो सुपटल्स 100 है अपीयर्स इन, ये कौन से इसमें आपको जो इनका वर्क है यहाँ पर अपीयर होते हैं, ये जो करेक्टर है आपको बताना है, ओके, हाँ मालगुडी आर के नारायण का है, ठीक है, तो यहाँ पर एप्सोलम, और एप्सोलम जो है इसको आपको ध्यान रखेंगे, इसी के ही मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फोकनर सटायर ऑफ द फिलिस, देखिए ये भी पूछा गया अभी जस्ट, और इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा हमेशा हम सुनते हैं योकना पद, देखिए योकना पटावफा हमेशा ये सुनते रहते हैं हम, तो हमने क्या सोचा कि हाँ भाई यही आंसर होगा, बट वो फिक्शनल रीजन नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, डिफाइन किया है, फिर आपको बताना है, चूज करना है, तो फिर बताइए जल्दी से, देखो ये आंसर नहीं होगा, अब चूज करो। अभी चूज करें फटाफट से, गर्मी लगने लगी है आजकल, पढ़ाते अभी एसी वगैरह भी ऑन नहीं कर सकते, फैन चलाएं तो वो आवाज करता है। हाँ सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी का मतलब भी बताया तुम लोगों को, स्नॉब, देखिए स्नॉबसिज्म, जो स्नॉबसिज्म है इसका मतलब मालूम है आप लोगों को, जब कोई एक्ट क्या होता है बहुत ही क्रूरलिटी के साथ में होता है, बहुत ही हार्टलेसली होता है, हार्टलेस बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं स्नॉबसिज्म। यहाँ पर बोला गया कि फॉकनर का एक सटायर है, क्या सटायर है, ऑफ द फिलिस, जो फिलिस लाइन थे, जो फिलिस लेन थे, इनके डिसेप्शन ऑफ द रूफलेस जो सदर्न है, आपको देखा इन्होंने, इनका जो मोटिव है, जो टारगेट करते हैं वो सदर्न पार्ट को करते हैं यूनाइटेड स्टेट के, तो उन पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी सिविल वॉर में उनको अवॉइड किया गया, जब वो उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, तो किस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया गया, उस चीज को इन्होंने जब यहाँ पर उसके ऊपर सटायर करते हुए ही क्या किया, हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द, देखिए इन्होंने क्या किया, कैटो जो कैओटिक सिविल वॉर था, यानी कि बहुत ही कोलाहल इसके अंदर हुआ, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि सिविल वॉर में भी बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इनकी वेल्थ वगैरह को सीज कर दिया गया था, तो इसको यहाँ पर कैन बी रेफर्ड, ये जो पीरियड है इसको रेफर करेंगे आप कैसे, इस पीरियड को हम बोलेंगे स्नॉबसिज्म। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ,
आप जानते हैं जो फॉकनर है वो किसको किसके फेवर में है, जो कॉमन पीपल है कहाँ के, सदर्न एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। वहां पर क्या होता है, उनकी जो वेल्थ है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी है, सब चीजें क्या होती हैं, सीज कर दी जाती हैं। ओके, तो इससे भी उनको दिक्कत आ रही है ना, बस एक कहना एक चीज है कि इनकी सीज कर दो चीजें, तो लोग खाएंगे कमाएंगे कैसे, क्या करेंगे एकदम से। तो उन पे जो ये फिलिस्टीन है स्पेशली, तो इन्होंने क्या किया था कि इनके ऊपर ऐसा बिहेव इनका जो है ये चल रहा था, तो इन्होंने इस यहाँ पर टर्म के थ्रू, स्पेशली इस पीरियड के थ्रू क्या किया है, टारगेट किया है इसको। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वॉज द चैंपियन ऑफ इलिटरेट पुअर। एक कॉमेंट आई है, इसको बताएंगे। ही वॉज, वैसे तो आंसर आपको पता ही है, ही वॉज द चैंपियन ऑफ इलिटरेट पुअर। देखिए व्हाइट एंड नीग्रो, तो नीग्रो वर्ग के लिए भी और व्हाइट के लिए भी, और ये क्या है, इलिटरेट जो पुअर होते हैं उनके चैंपियन है। ही हैड बीन एन इंट्यूटिव आर्टिस्ट हु यूज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इन हिज नोवल। ऐसा ही होता है ना, चाहे गर्ल्स वर्दी हो, आप देख रहे हैं कि वो किन को टारगेट कर रहे हैं, क्या उन जो ऑलरेडी ही सेटल्ड है उन लोगों को, नहीं, हमेशा जो नॉवल्स लिखे जाते हैं तो उनको क्या होता है, जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको रेज किया जाता है। तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर जो स्थिति थी उनकी देख के खुश नहीं थे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोगों का, फॉकनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्वाइटेड हिम टू द ऑथर टू डिनर। जे जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर अमेरिका के, तो उन्होंने क्या किया, जो जॉन एफ कैनेडी हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया था एक्चुअली डिनर के लिए, बट ही टर्न डाउन द ऑफर। बट इन्होंने देखिए क्या कहकर मना किया, रिजेक्ट कैसे किया, आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फार टू डाइन विद स्ट्रेंजर, विद स्ट्रेंजर यानी कि अपनी ही कंट्री में, क्योंकि वो स्ट्रेंजर जैसा उनके साथ बिहेव हो रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, वो बहुत ज्यादा ओल्ड हैं, कहाँ पर जाने के लिए, किसके साथ डिनर करने के लिए, डाइन करने के लिए, स्ट्रेंजर के साथ में। तो ये कमेंट किसका है, व्होज कमेंट इज दिस, तो दिस कमेंट बाय हेमिंग्वे नहीं, फॉकनर, विलियम फॉकनर, है ना। देखिए आप गर्ड्स देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन डिड फॉकनर्स फर्स्ट नॉवल सोल्जर्स पे अपीयर। जल्दी से बताइए, व्हेन डिड फॉकनर्स फर्स्ट नॉवल सोल्जर्स पे अपीयर, 1925, 1926, 1927 या फिर 1928। सोल्जर्स पे मैंने बताया भी था अभी आप लोगों को, अब तो इजी होगा, ऐसा भी नहीं किया है कि मैंने अचानक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, ऐसा मैंने नहीं किया है, तो इजी होगा आप लोगों के लिए। बफरिंग, बफरिंग हो रही है क्या, आई डोंट थिंक सो कि बफरिंग होनी चाहिए। ओके ओके, यहाँ पर आंसर होगा 1926, अगेन से याद दोबारा से ध्यान कर लीजिए, 1926 इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज, देखिए पढ़ लीजिए थोड़ा सा, Soldier's Pay is one of the only, देखिए यहाँ पर, is one of only a few of the author's novel not set in fictional Yokna Patwar country. Author का एकमात्र novel है ये Soldier's Pay, जो कि कहाँ पर setting नहीं है, जो इनकी ये जो fictional यहाँ पर एक town है योकना पता पटावाफा, तो यहाँ पर ये set नहीं है, सिर्फ ये एकमात्र आपसे पूछा जाएगी इसकी setting, यहाँ किसकी setting नहीं है, तो यहाँ पर किसकी setting नहीं है, सेटिंग मतलब कि जहाँ पर जो प्ले है वो कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि अभी जस्ट है कि आपको कहीं की स्टोरी बताई जा रही है, तो जैसे कि मिस्र की स्टोरी बताई जा रही है, कोई सिटी है वहाँ की बताई जा रही है, तो उसको हम सेटिंग बोल देते हैं। तो बताइए यहाँ पर सोल्जर्स पे इज द फर्स्ट नॉवल, ये इनका फर्स्ट नॉवल है जो कि इन्होंने पब्लिश कराया, इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश बाय बोनी। देखिए ओरिजिनली किसने पब्लिश किया है, ये बोनी एंड लिवर राइट ने। कब पब्लिश हुआ ये, 1926, डेट याद रखने की आई थी मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, आई डोंट थिंक सो। इट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ, ये इफेक्ट दिखाता है किसको, खुद देखिए, ये ऑटोबायोग्राफिकली हो गया क्योंकि ये भी इंजर्ड हुए थे, तो सेम यहाँ पर, इट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ हॉरिबली वाउंडेड सोल्जर। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही भयानक तरीके से एक सोल्जर है जो क्या हो जाता है, वूंड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो ऑन हिज फैमिली फ्रेंड्स एंड व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अ नॉर्मल सोसाइटी ऑफ हिज जॉर्जिया होम, तो वो दिखाया जाता है, और जो फियांसे है उसकी भी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो उसका रिएक्शन क्या, कितनी अनफेथफुल है वो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको क्या है कि आपको डिस्कस करने देखने को मिलेंगी जब मैं इसको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगी। Which of the following novels are written by William Faulkner? इनमें से आपको novel choose करना है जो कि किसने लिखा है, William Faulkner ने। Okay, buffering नहीं हो रही ना, हाँ I know already। चलिए बताएं, answer करें।
देखिए हम जानते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख बता देती हूँ आप लोगों को, जो ये फर्स्ट वर्क है फॉर हुम द बेल टॉल्स, तो जो ये वर्क है द फॉर हुम द बेल टॉल्स इज अ नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंग्वे हेमिंग्वे भी आपके सिलेबस में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है फॉर हुम द बेल टॉल्स कब, 1940 में. नेक्स्ट वन इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, क्या है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, is the first novel of Irish writer James Joyce. James Joyce, Stream of Consciousness. आप ध्यान रखेंगे कि मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया है इसको, टेक्निक को. Ulysses, Ulysses एक तो है आपका स्पेशली पोएट्री सेक्शन में आता है ना, तो वो चीज़ आपको टेनिसन की अवॉइड करनी है. यहाँ पर हमने टाइटल देखो नोवल लिखा हुआ है, तो नोवल ये चीज़ ध्यान रखना, नोवल अगर आपसे पूछ, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में है, ठीक है. जेम्स जॉयस तो नहीं है बट हाँ टेनिसन है, तो टेनिसन को आप अवॉइड करना. और यूलिसिस जो है नोवल जो है स्पेशली ये किसने लिखा है, जेम्स जॉयस ने लिखा है. द साउंड एंड द फ्यूरी, तो ये साउंड एंड द फ्यूरी जो नोवल है हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विलियम फॉकनर ने इसको लिखा है. चलिए नेक्स्ट वन इज फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन, साउंड एंड फ्यूरी कब पब्लिश हुआ, 1927, 1929, 1931 या फिर 1933, आंसर करें. ओके ऑप्शन नंबर हाँ बी आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये चीज अच्छे से क्योंकि ये ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 1929, हाउ मेनी पार्ट्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी डिवाइडेड इन टू, तो बताइए साउंड एंड फ्यूरी जो है अब तो आपको पता होगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मैम ने सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, तो जल्दी से बताओ टू पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, फाइव में या फिर एट में. अब तो किसी का रॉन्ग नहीं होगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, आप लोगों की धज्जी उड़ाने नहीं, जैसे होता है ना, मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ कि एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं. आज क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं. लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आपने क्या किया, रिएक्ट किया, एग्जाम टाइम में मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं आपसे यहाँ बताने आऊँगी, पहले मैं सारा पढ़ाऊँगी फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसा नहीं करने वाली हूँ, इतनी मैं सीधी साधी नहीं हूँ. मैं आऊँगी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी, और नहीं बताओगे तो फिर आपको डांट पड़ेगी. तो यहाँ पर फोर सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना फोर, अब याद रहेगा आप लोगों को, मैंने भी जस्ट आपको पीछे बताया भी था, और डेट्स लिखी हुई हैं जो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी. वेयर डज द कैम्पसन फैमिली रिसाइड इन द साउंड एंड द फ्यूरी, अभी जस्ट हम साउंड एंड द फ्यूरी के बारे में बात करते चलेंगे तो आपको सारे करेक्टर्स भी याद हो जाएंगे दोबारा से, है ना, मतलब कि अभी मैंने जस्ट बताए थे तो अभी करेक्टर्स सारे याद होने वाले हैं. ओके क्या आपकी क्लास डेली होती है मैडम जी, अरे भाई इतनी इतनी अवेलेबल नहीं हूँ मैं, ठीक है, आई एम द रेयर वन, इतनी जल्दी नहीं, बट हाँ आपके एग्जामिनेशन होते हैं तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ती हूँ. फिर मैं डेली आपको चीज़ें कराती हूँ, डेली में भी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, बट अभी स्टिल क्या है, आप संडे को विजिट करें चैनल पर, एवरी संडे 8 PM to 10 PM. ओके इस टाइम आप और हम मिलेंगे, आप रेडी रहना. और हाँ एक चीज़ और करनी है, मैं लास्ट टाइम कहना भूल गई थी आप लोगों से जब मैंने जॉन गर्ल्स बर्थडे को कराया था, अभी आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको नहीं याद हो रहा है, क्योंकि मैं मेरा तो जो मैं मुझे ये लगता है कि शायद ही होगा कि इसके बाद आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो या फिर आपको दिक्कत आए, नहीं होगी. अभी तो आपको ये ऐसा लगेगा दोस्त बन गए हैं विलियम फॉकनर, है ना, जब हम किसी को बार बार रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अब हमारी दोस्ती हो गई है. तो ऐसे विलियम फॉकनर से अभी हमारी क्या है, फ्रेंडशिप हो चुकी है, ठीक है. तो अभी क्या है कि आपको कमेंट बॉक्स, इस वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, जो दोबारा आपको जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, सेशन फिनिश हो जाएगा, तब नीचे टाइप कर देना कि मैम हमें इशू है इस वाले चैप्टर में, प्लीज़ ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तो जो मेजोरिटी होगी मैं उसको ले लूँगी या फिर मैं अपनी तरफ से ही कोई टॉपिक ले आऊँगी, उन सब चीज़ों को कनेक्ट करता होगा. तो मेरा जो टारगेट है, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आता है आप लोगों का, जो एग्ज़ाम मुझे लेना है, तो स्पेशली तब तक आप क्या करेंगे, आप लोग ये काम चलता रहेगा संडे को. क्लास कितनी भी लेंदी हो, मुझे 5 घंटे की लेनी पड़े, 4 की लेनी पड़े, बट टॉपिक क्लियर होके ही जाएंगे यहाँ से. और अगर आपको जो पेड में है, तो पेड में सैटरडे को चल रही है, ठीक है. जब अगर आप पेड कोर्स में है तो सैटरडे को मैं क्या करती हूँ, तो TGT आपका होता है कंडक्ट, कितना, 8 PM, एंड PGT के लिए मैं टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती हूँ 9 PM. लाइव ही होता है, मैं विश्वास नहीं रखती मॉक टेस्ट में, मतलब मुझे कम ऑथेंटिक लगते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि हमारी जो
जैसे जैसे हमारा लेवल हाई होता है वैसे वैसे सीधा साधा क्वेश्चन भी हमें फंसा देता है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो मैनिपुलेट करती है आप लोगों को, तो दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं लाइव ही कराती हूँ जो भी चीज़ें कराती हूँ, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे साथ आते हैं तो प्लीज़ मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सच में काम हो जाए, काम हो जाए, काम तमाम नहीं। स्पेशली एक जो सफरिंग है ना, ये जो इतना मेंटली प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, कमाना कमाने का और घर के काम भी हैं आपकी लाइफ में, और भी इश्यूज़ हैं, लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, ये मेरा मोस्ट ऑफ एम है। क्योंकि लोगों ने ना दूसरों को मेंटली इतना प्रेशर कर रखा है जैसे कि वो तो दुनिया के राजा हैं और बाकी दूसरे वाला सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो जेफरसन मिसिसिपी ध्यान रखेंगे, जो कैम्पसन फैमिली है ये लोग यहाँ पर सेटिंग रखी गई है जेफरसन में, योकना पतवावा के अंदर ही जेफरसन स्टेट है वहां पर। ऑफ वॉट क्राइम इज क्वेंटीन अक्यूज इन द साउंड एंड द फ्यूरी, बताइए ऑफ वॉट क्राइम इज क्वेंटीन अक्यूज इन द साउंड एंड द क्वेरी। मैंने बताया आपको क्वेंटीन कौन है, इनके तीन बेटे हैं, ठीक है, जो इनके थ्री सन्स सन है, ओके तो इनमें इनके मतलब कि जो कैम्पसन है, ठीक है, इनके दो तीन बेटे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो बेटा है जो एल्डर है वो कौन है, क्वेंटीन है। तो ध्यान रखना क्वेंटीन के बारे में बात चल रही है, आप ये बताएंगे अक्यूज्ड इन, तो क्या क्राइम करता है ये स्पेशली बताएंगे। मैम यूपीडीटी पीडीटी नहीं, ये वो नहीं है। देखो ये क्वेंटीन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है क्राइम कौन सा, क्योंकि जो इसका भाई था, जो मामा जी थे इसके क्वेंटीन के स्पेशली, तो वो तो क्या थे, वो तो उनकी तो डेथ हो गई थी। ये बात चल रही है इनकी यहाँ पर कि स्पेशली जो बेटी है क्वेंटीन उसकी बात चल रही है, किडनैपिंग अ चाइल्ड, ट्रीजन, स्टीलिंग या फिर मर्डर। तो यहाँ पर किडनैपिंग अ चाइल्ड इज अ करेक्ट वन। न्यू बैच कब स्टार्ट करोगे प्लीज बता दीजिए। नहीं नहीं मैंने गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया है, एक बार ट्राई भी किया था, ठीक है, लेकिन जब मैंने ट्राई किया यूपीटीजीटी तभी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब स्टिल तब से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एंड इसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे किसी एग्जाम में अपियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है ना वो वाकई में कह सकते हैं कि अनकम्पेरेबल है किसी भी जॉब के और किसी भी चीज़ के। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि मेरा पैशन फॉलो हो रहा है और आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है कि आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है। अदरवाइज आप लाखों कमा लीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, लेकिन अगर आपने अपने पैशन को अवॉइड किया किसी भी वजह से, तो फिर आप इंसान ही नहीं रह पाते हैं, एक चलती फिरती मशीन सी बन जाते हैं कि जो दूसरों की डिमांड को फुलफिल करती रहती है ईच एंड एवरी टाइम। सुबह से उठ के बस आप क्या करते रहते हैं, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, हमें क्या करना है, वो है, फिर जॉब पर जाओ, ये सब चलता है। तो कोई चीज़ आपके पैशन ही आपकी लाइफ में उसका करियर बन जाए, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं जॉब्स को अवॉइड करती हूँ बिल्कुल ही। और इस टाइम पर बड़ी से बड़ी संस्था भी, इंस्टीट्यूट भी, हर किसी के मेरे पास प्रपोजल्स हैं, बट मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी है। इसलिए मैं भी ये कहती हूँ कि आप लोग भी अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, ताकि क्या हो, और खासकर पैशन जो हो उससे रिलेट करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वॉट इज़ द नेम, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, आपको एटलीस्ट सिक्योरिटी देती हैं, मतलब मैं सिक्योरिटी है आप लोगों के अंदर मिलती है तो एक टेंशन कम हो जाती है। जैसे मुझे क्या है कि डेली ही दे सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट कैसे देना है, तो ये जब तक मैं ये क्लासेस चलेंगी तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा। ओके, जब भी हम अपना कोई काम करते हैं तो बेस्ट देना होता है हमेशा। आप लोग क्या है कि अपना फिर गवर्नमेंट जॉब में जब आप चले जाएंगे, अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में आएगी और फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर आप एंजॉय करना अपनी लाइफ को, ठीक है, मैं फिर नए बच्चों को पढ़ाने लगूंगी और नए स्टूडेंट्स को। और मेरे बस की बात भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, मतलब मैं उनको बहुत अवॉइड करती हूँ बाकी सब्जेक्ट्स को। आप लोग मुझसे ज़्यादा जीनियस हैं ऐसा मैं समझती हूँ, मतलब मुझे ये लगता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जीनियस हैं, क्योंकि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कर लेते हैं। मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि बस इसे ही पढ़ते जाओ, बट आप लोग तो मतलब वाकई में हैट्स ऑफ टू यू, कैसे कर लेते हो वैसे ऐसा,
इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेते हो, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, चीज भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, हर चीज के नोट्स हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या? पता नहीं कैसे कर लेते हो. वॉट इज द नेम ऑफ द कैम्पसन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, बताएं. हाउ कैन आई ज्वाइन योर पीजीटी बैच? नहीं वाकई में आप हैं यार, मैं सोचती हूँ यार कितना दम है इन बच्चों में, मतलब लगे रहते हैं, कमाल है यार. वॉट इज द नेम ऑफ द कैम्पसन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड द फ्यूरी? तो कौन है यहाँ पर, यहाँ पूछा जा रहा है कैम्पसन फैमिली के अंदर जो मदर है इन द साउंड एंड द फ्यूरी, तो वो कौन है? तो यहाँ पर कौन है, ये कैरोलिन जो है, स्पेशली कैरोलिन ही है ना, इनका नाम क्या है, कैरोलिन कैम्पसन. क्या नाम है इनका? कैरोलिन कैम्पसन. ये इनकी मदर है कैम्पसन, ठीक है. और इनके जो हस्बैंड, इनका नाम क्या है, जो फैमिली है, जेसन कैम्पसन थर्ड की है. ओके, ध्यान रखना. योगी बाबा के डर से मैम सर्कमस्टेंसेस लर्न एवरीथिंग. सही कह रही हूँ, हाँ सही कह रही हूँ. अगर मतलब मुझे भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू की, आपने 1 or 2 months के अंदर ही बहुत सपोर्ट दिया मुझे और मैं मतलब अपने पैशन को फॉलो कर पाई. अदरवाइज मतलब मुझे भी ना बोरिंग महसूस होता था बहुत ज़्यादा, और सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, मुझे अजीब लगता था कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद भी क्या होगा. बट थैंक यू सो मच कि आपने एटलीस्ट मुझे छुटकारा दिलवा दिया इन चीज़ों से, मुझे सेल्फ डिपेंड बना दिया एंड आई एम सो हैप्पी. और सारा श्रेय किसको जाता है भाई? आपको है, आप लोग हैं, आपने जो ये मेरी प्रॉब्लम को मुझसे छुड़ा दिया, मतलब इससे छुटकारा मिल गया मुझे. टू होम डज क्वेंटीन गिव हिज सुसाइड नोट्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी? क्वेंटीन ने सुसाइड किया, एक रिवर में खुद का छलांग लगाई. तो ये बताइए कि वो नोट किसको दिया था इन्होंने, इसने कम मोटिवेशन रहते हैं, सम फ्यूचर सिक्योरिटी इशू, सम रेपुटेशन एंड प्रेस्टेज. ओके हाँ बिल्कुल सही बात है. ज्वाइनिंग द बैच, मैं बता दूंगी प्रोसेस, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, फिर बात करेंगे जो बैच वगैरह के बारे में, तब बात करेंगे. मैंने लास्ट 10 minutes में बात करूंगी. देखिए यहाँ पर क्या है, डेकोन जो है इसको क्या करता है, ये यहाँ पर डेकोन इसमें एक अदर करेक्टर है, इसको ये क्या करता है, अपना लेटर देता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच सन कैम्पसन हैड पैशन फॉर हिज सिस्टर? देखिए एक सन है इसमें, एक बेटा है कैम्पसन फैमिली के अंदर जिसको अपनी ही सिस्टर के लिए पैशन है. ओके एंड क्लेम टू कमिट इंसेस्ट विद हिज सिस्टर. ओके कैडेंस, क्या सिस्टर? कैडेंस मतलब कि कैडी, निक नेम कैडी, वैसे कैडेंस नेम है. इन द साउंड एंड द फ्यूरी, तो क्वेंटीन, दो तीन भाई हैं इसके, क्वेंटीन है, बैंजी है और जेसन है. जेसन फोर्थ इसको बोलेंगे. क्वेंटीन जो सबसे बड़ा बेटा है फर्स्ट नंबर, और ये थर्ड नंबर पे आता है. एंड नहीं, ये आपका लास्ट है, ये सबसे छोटा है ना, सबसे यंगर जो है ये बैंजी है, तो ये फोर्थ नंबर पे और जेसन थर्ड नंबर पे. तो बताइए कौन हो सकता है? हाँ आंसर है यहाँ पर आप लोगों का, क्वेंटीन ही है. इसीलिए शायद उसको ज़्यादा बुरा लगा कि उसके सेक्सुअल एक्टिव थी वो, और फिजिकल रिलेशंस थे उसके नेबर के साथ में, चीज़ें थी. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कैडीज डॉटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी? अभी तो आपको पता होगा ना अच्छे से, जो कैडी है, कैडी यानी कि स्पेशली जो सिस्टर हैं उनको तो घर से निकाल दिया गया था, लेकिन इनको एक इलीगली हाँ बेटी पैदा हुई थी. क्या नाम रखा था इन लोगों ने, जल्दी से बताएं क्या नाम रखा था फटाफट से. ओके अब तो पता होगा आप लोगों को. देखिए हाँ इसमें दो नाम आपको, जो स्पेशल नेम है, वैसे और भी अनदर नेम है ये बारबरा वगैरह ये सब लोग, बट जो डेल से है ये स्पेशली इनकी कुक है. एंड यहाँ पर जो क्वेंटीन है, क्वेंटीन मिस क्वेंटीन बोलेंगे इसको, मिस क्वेंटीन यही है इनकी डॉटर का नाम, जो कि अपने मदर की तरह ही बिहेव करती हैं जब वो क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं. और उनके जो मामा जी हैं, ये जेनसन जो ये फोर्थ थे है ना, तो यही इनको केयर करते हैं. एंड जो इनकी मदर कैडी पैसे भेजा करती थी, मनी भेजती थी इनके लिए, क्वेंटीन के लिए भेजती थी, वो सारे के सारे ये जेसन ने रखे हुए थे अपने पास में. और एक दिन क्या होता है कि ये एक लड़के के साथ में भाग जाती है सारे पैसे इनके लेकर, वहीं पर नॉवल भी फिनिश होता है. चलिए नेक्स्ट है, हु इज द यंगेस्ट कैम्पसन चाइल्ड दैट हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी? देखिए यहाँ पर साइकिक पावर्स बोला गया है इन द साउंड एंड द फ्यूरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेंटली डिसेबल भी बोल सकते हैं स्पेशली. तो कौन था यहाँ पर, जेसन है, क्वेंटीन है, बैंजी है या फिर लस्टर है? कोई बैच स्टार्ट हो गया है मैम, केवीएस का स्टूडेंट आपका, केवीएस में कैसा रहा फिर आपका?
अगर आप मेरे केवीएस के स्टूडेंट थे, पढ़ा होगा तो अच्छा ही रहा होगा, पर अवॉइड किया होगा तो चलिए होगा भी। बैच वगैरह के बारे में सब बताऊंगी, वेट करो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बैनजी मैंने बताया आपको, सबसे छोटा भाई है ये, बेट मतलब सबसे छोटा बेटा है स्पेशली, तो ये ही मेंटली डिसेबल है और ये भी मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चलता रहता है सारी चीज़ें। बढ़िया था मैम, ओके। हु इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, कि देखिए वो इसने लाइन में आपको बताना है किसको रेफर किया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है ही इज एन इडियट बॉय, अब तो पता होगा आप लोगों को, ही इज एन इडियट बॉय हु स्लोबर्ड। स्लोबर्ड मतलब क्या होता है, स्लोबर्ड मीन्स जब जो लार है, जो सलाइवा है वो क्या होता है कि बेहतर रहता है साइड से, ऐसा होता है ना हमेशा, तो उसको हम बोलते हैं स्लोबर्ड। तो स्लोबर्ड ऑल द डे, यानी कि पूरा दिन वो सलाइवा पास होता रहता था, तो उसकी केयर के लिए कोई चाहिए था। तो अब आपको समझ में आया होगा कौन है, ही कुड बी साइलेंस्ड ओनली वी कैंटेनेंस, सिर्फ कैडी ही उसको क्या कर सकती थी, साइलेंस कर सकती थी और उसका ख्याल रखती थी, उसकी सिस्टर। तो यहाँ पर कौन है, बैनजी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैनजी। चलो नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कैडीज बेबी इन द साउंड एंड द फ्यूरी, जल्दी बताइए, जो कैडी की बेबी है क्विंटिन, उसका लीगल फादर कौन है, यानी कह सकते हैं कि असली पिताजी कौन है, क्विंटिन है, लस्टर है, अर्ल है या फिर डेल्टन एलमस है, जल्दी बताएंगे। हाँ क्विंटिन तो खुद ही मामा जी थे उसके, ओके। लस्टर, यहाँ पर लस्टर जो है स्पेशली ये कौन है, ये ग्रैंड सन है, लस्टर जो है ये ग्रैंड सन है, किसका है पता है हम लोगों को, जो इनकी कुक है उनका है ये ग्रैंड सन। एक आर्ल है इसके अंदर, और ये डेल्टन एमएस जो है ये आपका करेक्ट होगा। एक और करेक्टर है इसके अंदर, हर्बर्ट हेड, हर्बर्ट हेड, हर्बर्ट हेड, हर्बर्ट हेड कौन है, बैंकर है, और ये वादा करता है कैडी से अगर वो शादी करती है तो उसके भाई को, जो थर्ड नंबर पे है भाई जेम्स, जो फोर्थ है ठीक है, तो उसको वो नौकरी देगा। तो ये नेबर था इसका, इसके साथ ही फिजिकल रिलेशंस थे और जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट, ओके चलिए, व्हाट इज बिल्ट ऑन द लैंड दैट द कैम्पसन सोल्ड सो दैट क्विंटिन कुड अटेंड हार्वर्ड। अच्छा क्विंटिन जो है, जो बड़ा बेटा है, बेटे की बात चल रही है, कन्फ्यूज मत होना इसमें, तो इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना था क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट बेटा यही था। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा लैंड जो है इसने यहाँ पर उसके लिए बिल्ट किया था और जो कि मतलब बेचने वाला था। व्हाट इज बिल्ट ऑन द लैंड, इस पर क्या बनाया गया, दैट कैम्पसन सोल्ड सो, यानी कि उसको क्या हुआ कि उसे बेचना पड़ा ताकि उसका बेटा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। क्योंकि अभी क्या था कि जो इनका एंसेस्ट्रल मनी थी, वेल्थ थी, वो इसको अच्छे से आगे बढ़ा नहीं पाए, अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, तो अभी फाइनेंशियल इशू थे। तो गोल्फ कोर्स, तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनना था, तो इसके लिए ये क्या कर रहे थे, इसको बेचने लगते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्से'स डॉटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, तो डिल्से की जो डॉटर है स्पेशली जो कुक है उसकी डॉटर का नाम क्या है साउंड एंड द फ्यूरी के अंदर, जल्दी से बताएंगे, क्योंकि इनके 6 बच्चे हैं, खुद के भी मतलब 6 बच्चे हैं जो कुक हैं, उनका भी केयर करती हैं और फिर इन तीनों चारों बच्चों को भी देखती हैं, कमाल की लेडी हैं। डी, हाँ गोल्फ कोर्स ही है, सही आपका आंसर, बताएंगे यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्से'स डॉटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, फ्रॉनी, कैरोलिन, कैडी, शिर्ले, क्या आंसर होगा यहाँ पर, तो आंसर होगा आपका फ्रॉनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ क्विंटिन्स रूममेट एट हार्वर्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी, तो क्विंटिन की जो रूममेट थी उसका, जो क्विंटिन की रूममेट थी हार्वर्ड में, तो वो कौन थी स्पेशली, तो यहाँ पर श्रीम नाम ध्यान रखेंगे, ये अदर करेक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अगर रखना चाहते हैं तो, अगर डीपली आता है तो पूछा जाता है, अगर थोड़ा ऊपर से पूछते हैं तब नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट, वेयर डज क्विंटिन ड्राउन हिमसेल्फ, क्विंटिन ने आपको कहाँ, अपने आप को कहाँ पर ड्राउन किया था, यानी कि सुसाइड किया उसने, कहाँ पर किया, चार्ल्स रिवर में किया था, कौन सी, हडसन रिवर है, कौन सी रिवर है बताइए जल्दी से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज चार्ल्स रिवर, ठीक है, चार्ल्स रिवर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर डूबकर उसने अपनी जान दे दी थी। व्हाट गिफ्ट डिड, कौन सा गिफ्ट था, डिड मिस्टर कैम्पसन गिव टू क्विंटिन बिफोर ही लेफ्ट फॉर हार्वर्ड, बताइए, सूट दिया था, पॉकेट वॉच दी थी, टाई या फिर मनी, आंसर करें। देखिए यहां पर पॉकेट वॉच इज अ करेक्ट वन,
Come to the next. What is the cause of Mr. Campson's death in the Sound and the Fury? What is the cause? Cause बताइए cancer. यहाँ पर Mr. Campson की death. Mr. Campson की बाद में death हो जाती है ना, तो cancer, heart attack, alcoholism या फिर car accident. बिल्कुल William Faulkner की तरह वो भी क्या थे, यहाँ पर alcoholism का शिकार थे, तो इसी के दौरान ही यानी इसी की वजह से due to alcoholism Mr. Campson की death हो जाती है. What is the name of Disley's grandson? अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताइए इसके grandson का जो नाम है वो क्या है, जो Disley की cook है. Who take care of Banji in 1822? यानी कि ये 1822 इसलिए दिया हुआ है, जो dates हैं दी गई हैं. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आप लोगों का, जो Lester है इसको ध्यान रखेंगे, Lester. ओके चलिए, कम टू द नेक्स्ट. वॉट इज कैरोलिन कैम्पसन्स मेडन नेम? कैरोलिन कैम्पसन जो है यानी कि जो वाइफ है ठीक है कैम्पसन की, तो इनका मेडन नेम बताइए क्या है इनका साउंड एंड फ्यूरी में, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, फटाफट कर लेते हैं. बैस्कॉम इज द करेक्ट वन. क्या नाम है? बैस्कॉम था. वेयर डज क्वेंटीन अटेंड कॉलेज इन द साउंड एंड द फ्यूरी? बताएं वेयर डज क्वेंटीन अटेंड कॉलेज इन द साउंड एंड द फ्यूरी? क्वेंटीन कहाँ पर गया था, तो कुछ से पता होगा, तो भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, जिसके लिए गोल्फ कोर्स के लिए अपनी जमीन बेच दी यहाँ पर. बताएं बी हार्वर्ड. ओके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज अ करेक्ट. चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट है हुम डज मिस क्वेंटीन रन अवे विद एट द एंड ऑफ द नोवल? मिस क्वेंटीन यानी कि बेटी किसकी? डॉटर ऑफ कैडी कैम्पसन. तो कैडी की जो डॉटर है मिस क्वेंटीन रन अवे विद एट द एंड ऑफ द नोवल, तो बताएंगे कि द मैन विद द पर्पल पैंट, द मैन विद द ग्रीन शर्ट, द मैन विद द रेड टाई या फिर द मैन विद द ब्लू शर्ट? क्योंकि पता नहीं था किसके साथ भागी कैसे है, बस देखा गया था. बताइए मैम फैन चला लीजिए, आपको गर्मी लग रही है. फैन कैसे चला लें यार, ठीक तो हो नहीं रही, पता नहीं क्या है, जुकाम सा रहता है, अजीब सा हुआ रहता है, मतलब गर्मी लगती है सब कुछ है ना, तो ठीक से आप प्रॉपरली कुछ गर्म वूलन ही पहन सकते हैं और ना ही प्रॉपरली आप नॉर्मल रह सकते हैं. अब तो खैर मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे, और एक अजीब सा है मतलब इस टाइम मार्च जल्दी से पास हुआ एटलीस्ट. ऐसा वेदर तो बड़ा ही अजीब सा लगता है ना. तो देखिए द मैन विद द रेड टाई, आपको ध्यान रखना है द मैन विद द रेड टाई, शी फ्लू अवे, तो किसके साथ गई थी यहाँ पर अब ध्यान रखना ठीक है. द मैन विद द रेड टाई, राइट, रेड टाई पहनी थी उस बंदे ने. व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्से's हस्बैंड? डिल्से के हस्बैंड का नाम भी पूछा जा रहा है, भाई कुक है, इंपॉर्टेंट रोल है इनका यहाँ पर, इनके हस्बैंड का नाम बताइए. एक्चुअली फैन में चलाऊंगी तो साउंड होगी, फैन यूज नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि एक डिजिटल क्लासरूम है. ओके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो साउंड काफी तेज होगी क्योंकि माइक भी इस तरह का है कि साउंड को कैच करेगा. ओके तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी तो आएंगी फिर चलाएंगे एसी पेसी. देखिए रॉस्कोस, क्या नाम है इनके हस्बैंड का? रॉस्कस. ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस? देखिए चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन की ग्रैंड मदर थी, हु डाइज व्हेन दे आर यंग, तो क्या नाम था इनका? ग्रैनी, ममा, ओमा, यहाँ पर डैम्यूडी, क्या बोलते थे अपनी दादी को. ओके हाँ तो यहाँ पर है नेक्स्ट, जो लास्ट वन इज करेक्ट, डैम्यूडी इज अ करेक्ट वन. ओके तो ये इनकी कौन है? बच्चों की यहाँ पर ग्रैंड मदर थी. इन वॉट टाइप ऑफ स्टोर डज जेसन कैम्पसन फोर्थ वर्क? ये मैं इसलिए ज्यादा करा रही हूँ क्योंकि साउंड एंड फ्यूरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारा इतना सारा टाइम ले रही हूँ इसको कराने में ठीक है. फार्म सप्लाई स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, फीड स्टोर या फिर ग्रोसरी स्टोर? तो यहाँ पर है फार्म सप्लाई स्टोर. जो जेसन कैम्पसन है ये फोर्थ यानी कि बेटा है इनका, जो थर्ड वाला बेटा है ना, थर्ड नंबर का, बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी, क्वेंटीन वगैरह की जो बेटी होती है वो यही लेता है. तो ये कहाँ काम करता है? क्योंकि बैंक की जॉब का वादा किया था लेकिन वो हर्बर्ट देते नहीं है इसको, क्या नाम है इसका, हाँ हर्बर्ट ही नाम है, हर्बर्ट देते नहीं है. एंड फिर ये कहाँ पर वर्क करता है? फार्म सप्लाई स्टोर. और ये इसलिए अपनी सिस्टर से, कैडी से नाराज भी बहुत ज़्यादा होता है,
कि तुम ऐसी हरकत नहीं करती तो वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देता और मैं बैंक में लग जाता. हाउ सेल्फिश ही इज. नेक्स्ट, विद होम डज अंकल मोरी हैव एन अफेयर इन द साउंड एंड द फ्यूरी. तो यहाँ पर जो अंकल म्योरी हैव एन अफेयर इन द साउंड एंड फ्यूरी, किसके साथ इनका अफेयर था? डिल्से का, फ्रोनी का, मिसेस पैटरसन या फिर मिसेस ब्लैंड. तो यहाँ पर जो मिसेस पैटरसन है, ये करेक्टर्स इसमें दिखते हैं, इनके भी आपको अफेयर देखने को मिलेंगे. ये मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी आप लोगों को एक दिन किसी दिन. साउंड एंड फ्यूरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीपली जाके पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है. वॉट वॉज बेंजामिन कैम्पसन्स नेम बिफोर हिज फैमिली चेंज इट. जो बेंजामिन कैम्पसन है इनका ओरिजिनल नेम क्या था, मतलब जब तक इनकी फैमिली चेंज नहीं करती है. क्विंटीन था, मॉरिस था, जैकॉब था या जसुआ था. यू नो मैम, दिस सेशन इज वेरी क्रूशियल फॉर अस. इतने सारे करेक्टर होते हैं, जब ऐसा होता है कुछ तो, मतलब खासकर हमारे बाकी जो ऐसे हैं ना, बाकी जो ऑथर्स हैं आपके, खासकर मॉडर्न एरा वगैरह के हैं, और ये स्पेशली ऐसा करते हैं. पता नहीं, बहुत सारे करेक्टर होते हैं, पजल कर देते हैं कि कैसे याद रखें. लेकिन इसके लिए ऐसा है कि बस साउंड एंड फ्यूरी ही आपको याद करना है, बाकी चीज़ों को तो ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा. साउंड एंड फ्यूरी, जैसे कि आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं तो उनका आपको ध्यान रखना है. द ओल्ड मैन एंड द सी, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है. तो कुछ वर्क हैं, सोचो शेक्सपियर से तो सब बेटर है. शेक्सपियर में आपको कितना सारा करना होता है, यहाँ पर तो सिर्फ साउंड एंड फ्यूरी करना है. मैं आपको कराऊंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी किसी दिन, ठीक है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, मॉरिस इज अ करेक्ट वन. तो मॉरिस नाम था इनका पहले. हु ऑन्स द फार्म सप्लाई स्टोर वेयर जैसन वर्क, जहाँ पर जैसन वर्क करता था, तो उसके ऑन किसने उसको ऑन किया? तो अर्ल ने, ये भी नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग, अर्ल जो है इसने इसको ऑन कर लिया था. कुछ चीज़ें हैं, इनको रिपीट कर लेना, ऐसे याद रह जाएंगी ये. हाउ ओल्ड इज बैंजी इन द फर्स्ट सेक्शन अप्रैल 7, 1928 ऑफ द नोवल. आपको पता है इतनी लेंथी क्लास मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना, जब आपका कभी भी एग्जाम होगा और आपको विलियम फॉकनर रेडी करने होंगे, तो आपका सारा एक जगह रेडी हो जाए. मतलब आपने एक क्लास स्टार्ट की और दैट्स इट. इसीलिए मैंने जॉन गाल्सवर्दी कराए, तो दैट्स इट. एक ही क्लास में सारे फैक्ट्स कवर्ड. ऐसे यहाँ पर एक ही क्लास के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे. और एग्जाम में इसको क्या करना, 2x की स्पीड पे लगा देना और धनाधन करते जाना. बुक सामने रख लेना या फिर नोट्स बना रखे हो उनको रीड करते जाना और बस फटाफट काम हो जाएगा. तो हाउ ओल्ड इज बैंजी, बैंजी कितना था फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन के अंदर बताइए. यहाँ पर फोर सेक्शन है ना, तो उस टाइम पर वो 33 था ऑलरेडी. चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज बेंजामिन ओरिजिनल नेम इन द साउंड एंड द फ्यूरी, बताएं. व्हाट वाज बेंजामिन ओरिजिनल नेम इन द साउंड एंड द फ्यूरी. तो ओरिजिनल नेम क्या है बेंजामिन का साउंड एंड द फ्यूरी में? बेंजामिन ओरिजिनल नेम, सबके तो ओरिजिनल नेम भी हैं, वैसे नेम भी हैं, फिर भी ध्यान रखो मोरी. मोरी इज ओरिजिनल नेम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है इसके अंदर, टेंशन मत लेना. सोचोगे कभी पता नहीं कितने क्वेश्चन है, 55 है और हम पूछने वाले हैं. वी अबाउट टू रीच, और यू कैन से वी अबाउट टू फिनिश. फॉकनर रोट अ स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय, एक स्क्रीन प्ले भी लिखा है, यानी कि मूवी कह सकते हैं आप इसको. तो यहाँ पर बताएंगे कि किसके, फॉकनर रोट अ स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय. अच्छा, एक बेस्ड लिखा है, यानी कि एक बुक लिखी गई है, किसी ने लिखी है, तो उस पर बेस्ड इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर. क्योंकि इनके राइवल भी आप कह सकते हैं, इनके साथ में कंपटीशन रहता था इनका, जो विलियम फॉकनर है इनका कंपटीशन जो था, इनके कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, वो कौन थे टक्कर दे रहे थे इनको, वो आपके हैं यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे. तो उन्हीं के ही वर्क पर इन्होंने लिखा था स्क्रीन प्ले. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू. हाँ, मतलब बस यही वर्क इम्पॉर्टेंट है डीपली. ऐसे मत सोचना कि मैम ने बस एक ही वर्क बोला था, मैंने कहा डीपली ये वर्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, द साउंड एंड द फ्यूरी. बट ऊपर ऊपर से जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, ऊपर से जो चीज़ें हैं, एप्सोलम एप्सोलम हो चाहे आप लोगों का, एक है उनका सोल्जर्स पे है, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं तो उनका पे अब वो है, वो एक इनका टॉपिक है, ठीक है, एक दो और हैं. तो ये क्या करने हैं आपको, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट साउंड एंड फ्यूरी को थोड़ा सा कर लेना.
फोकनर रोट डैश स्क्रीन पे, तुम लोगों को पता है अच्छे से सारी बातें, कितने स्क्रीन पे लिखे इन्होंने, 6 लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 46, फोकनर्स लास्ट नेम वॉज ऑरिजिनली स्पेल्ड, फोकनर्स लास्ट नेम वॉज ऑरिजिनली स्पेल्ड, वेरी इजी यार, बट फिर भी बताओ। यू को मिस कर देते ना यहाँ पर, यू को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ओके हो गया करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, फॉकनर स्पेशली कहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट है सी, एफ ए एल के एन ई आर, है ना। 1918 में ये इंसिडेंट लगभग हुआ, मतलब 1918 नहीं कहेंगे, 1922 कहेंगे स्पेशली, 1922 है ना, उस टाइम पर इनका वर्क वगैरह हुआ था, उसमें मिस्टेक हो गई थी, तब की बात कर रहे हैं। विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज बॉयज एम्बिशन, एक वर्क है यहाँ पर इनमें से, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, पूछा ये गया कि जो ये टाइटल है अब बॉयज एम्बिशन, तो ये किसका अल्टरनेट टाइटल है, कौन से वर्क का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखूंगी क्लास को, मैम ग्रामर वाले टीचर कहाँ हैं, भाई उनका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वो अभी रेस्ट पे हैं, अभी फर्दर जब आपका बैच आएगा तो मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है अभी, लेकिन स्टिल अभी तो कोई बैच नहीं लेकर आ रही हूँ मैं। अ बॉयज एम्बिशन, तो अ बॉयज एम्बिशन जो टाइटल है, अनदर टाइटल है किसका, एब्सोलम एब्सोलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इंपॉर्टेंट में तो कभी कभी तो ना स्टार नहीं बनता मुझसे यार, अब ठीक है, देखो थर्ड टाइम बना है, तो ये क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है, ऐसे ऐसे चीज़ें पूछी जाएंगी बाकी जो वर्क हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने एब्सोलम, एब्सोलम क्या है, ये नॉवल है, विलियम फॉकनर ने लिखा, 1936 में लिखा है, टेकिंग प्लेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर, तो सिविल वॉर जो है उसकी पहले की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों सिचुएशन को हाईलाइट किया है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट थ्री फैमिलीज ऑफ अमेरिकन साउथ, तो अमेरिकन जो सदर्न एरिया है तो वहीं की थ्री फैमिलीज को इन्होंने डिस्कस भी किया है, एंड विद अ फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस सुटपन, तो यहाँ पर जो मेन करेक्टर है प्रोटैगनिस्ट है उसको ध्यान रखना। ओके इज इट क्लियर टू यू, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवल, लास्ट नॉवल अब तो पता होगा आप लोगों को, अभी तो आप नहीं भूलोगे, जस्ट तो नहीं भूलोगे, ठीक है इतने तो आप शार्प हो, अभी तो नहीं भूलने वाले हो। ओके विच वॉज फॉकनर्स, नहीं यही है इस तरह से, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवल, द वाइल्ड आर्म्स है या फिर द हैमलेट या रिवर्स, अब तुमको पता होगा इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था, तो विच वन इज, तो द रिवर्स यानी कि 1962, द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, यू कैन से द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर इज द रिवर्स 1962। चलिए नेक्स्ट है 49, हैमलेट, जो कि इन्होंने हैमलेट लिखा है 1940 में लिखा, ये पब्लिश हुआ, was written by Shakespeare, the Hamlet was written by Shakespeare, अच्छा ये देखो यहाँ गलत हो गया है, यानी कि अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन ये है कि जो हैमलेट है जो कि 16th सेंचुरी में आया था, ओके आई थिंक 1604 में आया मेरे ख्याल से या 3 में आया होगा, तो हैमलेट जो है जो कि शेक्सपियर ने लिखा, अब ये बताइए द हैमलेट जो द हैमलेट है ये किसने लिखा, क्वेश्चन एक्चुअली एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द हैमलेट किसने लिखा है और हैमलेट जो था वो किसका था, तो हैमलेट किसने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा, और द लगा दीजिए आर्टिकल का यूज कर लीजिए, द हैमलेट, तो ये किसने लिखा है, हमारे प्यारे विलियम फॉकनर। ओके तो विलियम फॉकनर इज अ करेक्ट। मैम आपने इंटरव्यू करा दीजिए केवीएस का, अगर आप किसी चीज के लिए सीरियस नहीं होते हो ना, वेरी फर्स्ट क्लास जब मैं लेके आती हूँ अगर आप मुझे सीरियस नहीं दिखते हैं तो मुझे थोड़ा सा, आप लोग पता है किसमें बिजी है, मैं क्यों नहीं करा रही, आप लोग बिजी हैं दुनिया भर की चिट चैट देखने में, दुनिया भर में क्या चल रहा है, केवीएस में किसने क्या बोल दिया, किसने क्या कह दिया, कोई क्या बता रहा है आप लोगों को, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको अपने पर भरोसा ही नहीं है, आप 60% प्लस भी मार्क लेकर बैठे हैं फिर भी आप परेशान हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं परेशान आत्माओं को नहीं पढ़ाती हूँ। मेरे साथ आने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो भाई मैं कैसे तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ इन सब चीज़ों से, आपकी सिचुएशन से।
आप लोग बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियोस देखते फिरते रहते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द अन देखिए अनवैंक्विश्ड, अनवैंक्विश्ड जो है इनका नॉवल है द अनवैंक्विश्ड, 1938 में आया. तो इसके ऑथर कौन है? सिंपली इसमें मुझे और कुछ नहीं कराना है, एक दो डेमो मैं बताती आप लोगों को, क्वेश्चंस बताती आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स आपको रटवाती, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं करती. हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विश्ड 1938? बट आप लोग बिजी उसमें ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, है ना, तो आप उनके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं. विलियम कुथबर्ट फॉकनर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अनवैंक्विश्ड? अभी तो ईजी लग रहा है आप लोगों को, जब बहुत सारे राइटर्स आते हैं तो आप लोगों को दिक्कत आती है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो करा दीजिए प्लीज. देखिए सब्जेक्ट तो मैं पूरा करा चुकी हूँ, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवाइज करना है ना, यू नीड टू रिवाइज इट ओनली, और तो कुछ करना ही नहीं है. सारी चीज़ें बहुत मेहनत से कराई है मैंने आप लोगों को, सारे टॉपिक कराए हैं बहुत अच्छे से कराए हैं, तो के वे इसका पूरा कंप्लीट एक भी टॉपिक आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अंशु मैम आपने नहीं कराया, तो मैंने पूरा अपनी तरफ से अपने हैंड से सब चीज़ें कराई हैं, ठीक है. बस आपको कोर्स के अंदर फिर से रिवीजन करिए, सारे टॉपिक तो क्लियर हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, बस आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है. नेक्स्ट है यहाँ पर द सीक्वल ऑफ सेंचुरी, 1931 में आया ये वर्क. सेंचुरी का सीक्वल जो है कौन सा है? लाइट इन एशिया है, द साउंड इन द फ्यूरी है, रिक्वेम फॉर नन या अप्ले, कौन सा है? बस शॉर्ट स्टोरी नॉवल पोएट्री मेंशन कर रखा है, अब हम क्या पढ़ें प्लीज सजेस्ट कीजिए. यही तो दिक्कत है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे जो HSSC है आपका, हरियाणा बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, अब ऐसे ही हवा में कह दिया कि शॉर्ट प्ले कर लो, ये कर लो. अब इसका पता है क्या तरीका होता है? एक तरीका तो ये होता है कि प्रीवियस ईयर्स हों, अब मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर भी एक ही है शायद आप लोगों का, तो दिक्कत आती है. फिर आपको ये भी पता नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना है. अब और कुछ नहीं है, आपको अब हर चीज़ की बेसिक नॉलेज लेनी है. अगर ऐसे लिख दिया है ना कि आपको ये लिख दिया गया है कि भाई शॉर्ट स्टोरीज करो, नॉवल कर लो, पोएट्री कर लो, तो आपको अब क्या करना है? आपका काम पता है किस में से हो जाएगा? जो मेरी वीडियोज़ है ना, जो कौन सी वीडियोज़ हैं, लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स एंड ऑल्सो मूवमेंट्स, मूवमेंट्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच भी ले रहा, क्योंकि इसमें उसके अंदर भी मैं क्या करती हूँ, आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच. ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये आपके सारे टॉपिक को कवर कर देगा, क्योंकि आपको बेसिक ही करना है. अगर ऐसा बोला है फिर आपको कोई डीपली करना नहीं है चीज़ों को, बस आपको सारे जो मूवमेंट से मतलब मेरा एजेस से जो एरा है ना, आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने कराया हुआ है, जो मूवमेंट्स कराए हुए हैं उसी के अंदर आ जाएगा, कौन प्ले राइट है, कौन नॉवलिस्ट है, कौन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, सारी चीज़ें वहीं आ जाएगी और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा वहाँ से ही, और कुछ प्रीवियस ईयर से उठा लेना और आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है. लाइट यहाँ पर क्या होगा फिर, रिक्वेम फॉर अ नन अ प्ले, है ना, तो रिक्वेम फॉर अ नन ये एक प्ले है, तो इस ये क्या है इसका सेंचुरी का टाइटल सीक्वल है. विच सदर्न सिटी, आपको बतानी है कौन सी दक्षिण की जो सिटी है, हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विलियम फॉकनर्स राइटिंग. तो यहाँ पर बहुत इजी है वैसे तो, ओके, किसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने इसको जेफरसन नाम भी दिया है. व्यूज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं क्या? कुछ अवेलेबल हैं बट सारे तो अवेलेबल नहीं हैं, मतलब कुछ हैं, मैंने पढ़ाया था RPSC वगैरह के लिए भी पढ़ाया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल, बट उसमें ना आपको दिक्कत आती है चीज़ों को, जैसे कि आपके में क्या है कि PGT में राइटिंग स्किल्स भी दिए हुए हैं, अब वो मैंने KVS PGT में पढ़ाया है, जैसे कि आपके राइटिंग स्किल्स से पूछ लिया जाता है, DSSB में पूछ लिया जाता है, आपके HSSC PGT में पूछ लिया जाएगा, वो चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है KVS में, दिक्कत आ रही है ये. तो अभी आपका सिलेबस एक बार जब आ जाएगा ठीक तरीके से, तो मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए अलग से कोर्स जनरेट कर दूंगी, वो सारी चीज़ें एक में मिल जाएंगी, तो अलग अलग नहीं खरीदना पड़ेगा आप लोगों को. तो ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी इज द करेक्ट आंसर, जिसे आप क्या बोलेंगे, जेफरसन भी बोल सकते हैं. विलियम फॉकनर वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन विच पीरियड इन अमेरिकन हिस्ट्री, बताइए कौन से पर्टिकुलर पीरियड में आप इनको यहाँ पर रखेंगे. विलियम फॉकनर वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट दिखाते हैं अमेरिकन हिस्ट्री का, पोस्ट देखिए पोस्ट यानी कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था उसका पोस्ट पीरियड, या फिर सिविल वॉर एंड रिकंस्ट्रक्शन,
अभी जस्ट हमने मेंशन भी किया है इस चीज़ को, तो इट्स इजी टू गिव आंसर. मैम टीजीटी का बैच ही ले आओ प्लीज. अरे ले आएंगे भाई, इतना जल्दी क्या है, सांस लेने दो, चैन थोड़ा सा. अभी तो पढ़ाया था तुम लोगों को, इतना ज़्यादा पढ़ाया है, सारी चीज़ कंप्लीट करा रखी है, थोड़ा सा मुझे सोचने दो कुछ नया करने के लिए, चीज़ों को अच्छे वे में पढ़ाने के लिए. सिविल वॉर में आपका ना जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर रही हूँ एक्चुअली. मतलब आपको जैसे मैंने पढ़ाया है, अभी तो बहुत चीज़ें ऐसे करके थोड़ा वाइड करके पढ़ाया, हर एक प्ले को बहुत अच्छे से कराया है. सारी चीज़ अच्छी है, वो भी बेटर है, बट थोड़ा और बेटर होना चाहिए ना. तो एक्सपीरियंस से इंसान को थोड़ा सा बेटरमेंट मिल जाता है ना, एक्सपीरियंस होता चला. तो मैं चाह रही हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स क्रिएट हों उसकी, फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करो और क्या हो जाए कि आपका काम हो जाए. सिविल वॉर एंड रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. सिविल वॉर के वजह से ही जो ये सदर्न पार्ट था अमेरिका का, ये नेगलेक्ट हुआ, एंड यही रीजन था कि इन्होंने उसको टारगेट किया. लास्ट वन, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी रेफर्स टू अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स. वेरी इजी टू यू. अब जितने भी क्वेश्चन हो ना आपके आपके मन में, जो सवाल है अभी 10 बजने वाले हैं ना, लिख दीजिए यहाँ पर, टाइप ऑल द क्वेरी यहाँ पर इन कमेंट बॉक्स. मैं यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर सारी बातें बता के जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता व्हाट्सएप पे, यहाँ पर आप कह सकते हैं अनलिमिटेड मैसेजेस होते हैं, मैं उनका आंसर नहीं कर सकती हूँ. कॉल पिक करना तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. कोई बंदा मुझे रखना है नहीं स्पेशली, क्योंकि मुझे अकेले काम करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अकेले इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. इसीलिए लाइव सेशन में प्लीज़ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ आपको लग रहा है, मैडम ये नहीं ऐसे होनी चाहिए, मैम ऐसे नहीं चीज़ ये होनी चाहिए थी, या फिर मैम यहाँ पर ये कमी रह गई, या बैच में ऐसा हुआ मेरे साथ में, अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज़ है, या आप चाहते हैं कि मैम ये भी कराना चाहिए, तो प्लीज अभी ये टाइम है, लिख दो. मैं 10 मिनट आपको लास्ट के देकर जाऊंगी. ओके, आपको अच्छे से अपनी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी. हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या किया आप लोगों ने, मैकबेथ. ठीक है, तो यहाँ पर मैकबेथ इज अ करेक्ट वन, क्योंकि जो मैकबेथ है इसी, ये जो स्पेशली और जो कमेंट है वो भी मैकबेथ का ही है, एक्ट 5 सीन 5 के अंदर. अभी जस्ट मैंने मेंशन भी किया था, तो यहीं से क्या किया गया है, मैकबेथ ने क्या कहा, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. और जो ये जो वर्ड है ना, ये जो फ्रेज है, यही इन्होंने उठा लिया और अपने नोवेल को क्या कर लिया है ना, किसी बंदी की कोई चीज फेमस है वही चीज ली यहाँ से और खुद भी फेमस हो गए उस चीज से. तो साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, तो ये साउंड एंड फ्यूरी यहाँ से टाइटल लिया गया है. ओके, चलिए, तो दैट्स इट. ये तो आपकी क्लास फिनिश हुई, अब मैं आपकी क्वेरीज ले लेती हूँ. होप सो कि ये बहुत बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए. होगी नहीं, मुझे मालूम है कि है बेनिफिशियल. तो इसको क्या करना है, अब दोबारा से 1x की स्पीड पे 1.5 पे लगा लेना, एंड फिर उसके बाद में 1.75 लिखा होता है फिर उस पर लगा लेना. एंड एग्जाम टाइम में क्या करना, 2x की स्पीड पे. अगर PDF तो देखिए आपको पेड भी ही मिलेगा, क्योंकि मुझे टेलीग्राम वगैरह भी पसंद नहीं है. रिसोर्सेज जितने भी कम हो उतना बेटर होता है, बुक्स भी इतनी कम हो बेहतरीन बुक हो आपके पास में, मल्टीपल टाइम पढ़ी हुई हो वो बेटर है. ऐसे ही आपके टीचर हैं वो भी क्या हो, आपके पास कम से कम ही होने चाहिए लेकिन बेहतरीन होने चाहिए, तो वो भी आपके लिए बेटर है. ऐसे ही मैं जो चीज़ें हैं, अब मेरा जो एप्लीकेशन है मैं वहाँ पर बहुत एक्टिव एक्टिव हूँ, तो एप्लीकेशन पर, और साथ में हम यहाँ पर मिलते हैं यूट्यूब पर, तो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको कोर्सेज के अंदर. अब मैं देख लेती हूँ, पूछो क्या बोल रहे हो आप लोग. ओके, मोनी से स्टार्ट करते हैं. मोनी, ग्रामर कहाँ से करें TGT का? अरे भाई हमने कराया तो है, पुष्पिंदर सर ने कराया है, श्वेता मैम ने कराया है, बहुत मेहनत लगाई है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली. ओके मैम, थैंक यू सो मच, नाइस क्लास. थैंक यू कहना, क्या नाम है आपका, ने खान, क्या नाम है आपका, खन्ना, शेखर, शेखर खान, तो जो भी है शेखर जी बोल देते हैं. फिर क्या है आपका, जो कुमारी रिया है, मैम चार्ल्स डिकन्स करा दीजिए. ओके, मैं सोचूंगी, आई विल कंसिडर. मैम आप इंटरव्यू की तैयारी प्लीज़. ओके, ये भी मैं सोचूंगी. बस मैम हम HSC वालों के बारे में ज़रूर कुछ कीजिए, आपका कंटेंट अच्छा रहता है, KVS में पढ़ा था आपसे. थैंक यू सो मच सोनिया कि आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं. बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि मैम आप कोर्स स्टार्ट कर रही हो, हम आपके ही वेट में हैं.
अदरवाइज फिर हमें कहीं ना कहीं खरीदना ही पड़ेगा, हम खरीद लें फिर। अगर आप नहीं कर रही हो तो साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं साफ साफ ही बता देती हूँ कि भाई अभी जब तक सिलेबस अच्छे से मैंशन नहीं होता तब तक मैं टच नहीं करूँगी। ओके, केवीएस का सिलेबस इस बार बहुत डिफाइंड था तो मैंने एक सेकेंड नहीं लगाई सोचने में और मैंने उसको उठाया और कंप्लीट करा दिया। ग्रामर कहाँ से, चलो ये तो मैं आपका हो चुका है। मैम पीजीटी बैच ज्वाइन करना है प्लीज़ टेल। अच्छा, बैच ज्वाइन करने के बारे में बताती हूँ मैं ज़रा आप लोगों को, इतने आप और लिख लीजिए। मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोलिलोक्वी एंड मोनोलॉग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने। अभी तो चल रहा है पीजीटी में तो है इंटरव्यू, बाद में देखते हैं शायद फिनिश हो जाए, जैसे टीजीटी में बंद कर दिया था शायद इसलिए हो जाए। थैंक यू मैम फॉर क्लास, यूपी पीजीटी बैच ज्वाइन करना है। ओके, डिकन्स के करेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, वैसे चार्ल्स डिकन्स मैंने कंप्लीट करा रखा है पीजीटी को, मैं सारा ही करा रखा पीजीटी कोर्स। मैम प्लीज इंटरव्यू और बस ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आप लोगों के 112 SC एनी चांस, बिल्कुल चांस है मोनो, लगे रहो प्रिपरेशन करो अच्छे से, इंग्लिश अपना अच्छा करिए और इंग्लिश जब सीखें तो हिंदी में ना सीखें। इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो सारे सेंटेंसेस को जो रिसाइट करें जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या करनी है आपको इंग्लिश में, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं नेटिव स्पीकर्स के जहाँ से आप ये कर सकते हैं। ओके, हाँ इट इज़ ऑसम फैशन। तो दो क्वेश्चन थे हमारे पास में, उनका मैं आंसर कर देती हूँ। एक तो आप लोगों का क्या था, आप मुझसे पूछ रहे थे यूपी पीजीटी का कोर्स या फिर कोई भी हमारा कोर्स है वो आप कैसे परचेज करें। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक काम करना है। अभी लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक गिवन है और जो कमेंट बॉक्स होगा वहाँ पर भी मैं पिन कर दूंगी जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, कि आपको जो मेरा एप्लीकेशन है बी इनक्रेडिबल है ना, जो चैनल का नेम है बी इनक्रेडिबल ऐप, यही मेरा एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ पर आपको विजिट करना, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ठीक है। और वहाँ पर जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको यूपी पीजीटी कोर्स मिलेगा, यूपी टीजीटी मिलेगा, केवीएस के दोनों कोर्सेज हैं ये सारे थे, यूपी एलटी ग्रेड भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। हाँ लेकिन बैचेस जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सैटरडे को चल रही है, तो अगर आपको लाइव सेशंस लेने हैं तो फिर न्यू बैच का वेट करना पड़ेगा है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है ना मेरे साथ में कि अभी जस्ट 2 मंथ्स बिफोर ही मैंने क्या किया, ये डिजिटल बोर्ड लिया है एंड मैं अभी इस तरह से आपको पढ़ाती हूँ सामने खड़े होके है ना, तो पहले के जो वीडियोस हैं वो क्या है कॉर्नर में मैं होती हूँ और पूरी स्लाइड होती है, तो अभी आप बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम हमें पढ़ना है आपको जैसे अभी स्टिल आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं अप्रैल में आपके लिए बैच लॉन्च करूँगी ठीक है, हम अप्रैल में बैच लॉन्च करेंगे, डेट मैं आपको मैंशन कर दूँगी और फिर हम लाइव सेशंस लेंगे, मैं आपको ऐसे ही समझाते हुए चलूँगी सारी चीज़ों को ठीक है। उस पर क्या करना है, फिर आपको कोर्स पे क्लिक करना है, जो भी कोर्स आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा होम पेज पर ही, और अगर नहीं दिखाई दे तो स्टोर में चेक कर लेना, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। हमेशा 500 का डिस्काउंट रहता है क्योंकि बच्चों को शायद यही चाहिए होता है, मैं तो रखना पसंद नहीं करती, बट आप लोगों की डिमांड, चाहे मैं कितने कम पैसे कर दूँ, कितना भी कम उसका मतलब हमेशा कोर्स के प्राइस कर दूँ, हमेशा आपकी डिमांड रहती है कि मैम डिस्काउंट, तो इसलिए ऑलरेडी हमेशा ही 500 का डिस्काउंट लगा रहता है। जब कोई ओकेजन आता है तो वो 1000 के करीब पहुंच जाता है, जैसे अभी स्टिल होली आई थी तो होली पे काफ़ी ज़्यादा था डिस्काउंट, तो अभी 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कोर्स का। बहुत मेरे तो कोर्स बहुत ही चीप है, यानी कि आपको TGT 1099 में मिल जाएगा पूरे 1 ईयर के लिए, एंड जो PGT है आई थिंक 1399 में है, तो ये 1 ईयर के लिए आपको ये भी मिल जाएगा। इसके अंदर हमने ग्रामर भी कंप्लीट करा रखा है, वोकैब भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई है सब चीज़ों की, और यूपी आपका पीजीटी पूरा कंप्लीट है, और सारे राइटर्स जितने आपके इंग्लिश राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं एंड अमेरिकन राइटर्स भी आप लोगों के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तो बिल्कुल ही हो चुके हैं क्योंकि आज की क्लास वहाँ भी अपलोड हो जाएगी, तो आप फिर वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है आप मुझे क्या करना कि WhatsApp पे मैसेज कर देना, माई WhatsApp नंबर इज, लेकिन करना सिर्फ WhatsApp इफ यू वॉन्ट रिप्लाई, अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ WhatsApp करना है। क्या नंबर है मेरा ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ 9149053854 एंड सिर्फ WhatsApp ठीक है, क्योंकि WhatsApp पे ऐसे होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मैं रिप्लाई करूँगी, तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी फिर भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना यहाँ पर ठीक है।
आपको फिर वहां पर क्या करना है कि आपके कंटेंट सेक्शन होता है, कंटेंट सेक्शन से आप कुछ भी सारी चीजें आपकी दी हुई हैं वहां से वन बाय वन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सारे पीडीएफ्स उसके अंदर हैं और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सबका सब है। लाइव सेशन का शेड्यूल आपको मिल जाता है, सैटरडे को आपका पीजीटी की बात कर रहे हैं तो फिर 9 PM, और अगर टीजीटी तो हम मिलते हैं कितने बजे, 8 PM मिलते हैं, तो वहां मिल जाएगा आप लोगों को। ओके ओके थैंक यू। डज इट अवेलेबल ऑन ISO फोन? हाँ सब पे, आईफोन वगैरह के लिए सब पे अवेलेबल है। उसको भी आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं उसका आपको प्रोसेस भेज दूंगी, ठीक है मैम? उसमें ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों होगा ना? हाँ बिल्कुल, ग्रामर और लिटरेचर और वोकैब सब चीज़ें हैं। ओके मैम थैंक यू सो मच मैम, वॉट एवर यू टोट टू अस यू टोट पैशनेटली विद ऑथेंटिक एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट, थैंक यू फॉर ड्यूप्लेटिव सेशन। थैंक यू सोनिया अगेन हमारे लिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ओके कितना थैंक यू बोलोगे, थैंक यू से पेट भर दोगे क्या? चलिए एक पूछा था आपने सोलिलोक्वी और मोनोलॉग क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर है सोलिलोक्वी के अंदर और मोनोलॉग के अंदर, बहुत बड़ा अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान से सुनना, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, तो जो मैं बोल रही हूँ ये आपको सुनाई दे रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई और टीचर खड़े होते मेरे साथ में, और हो सकता है कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही होती, लॉन्च कर रही होती, कोई भी चीज़ चल रही होती, कुछ भी चीज़ है, तो फिर क्या होता कि कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस, हमारा क्या चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, सब चीज़ें हम चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी तो होती है ना कि हम मन में सोच रहे होते हैं यार सर ने ना ये ऐसे नहीं खड़े हुए हैं, ये इस तरह से होते, या फिर सर इस तरह से कराते, मतलब माइंड में चल रहा होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो खासकर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो हम बोल देते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें मन में होती हैं उनको हम नहीं बोलते हैं, बस वो माइंड में चलती रहती है, हम दूसरे को उसको नहीं बोलते हैं। तो जो माइंड में चल रहा है, जो माइंड, जैसे कि जैसे आपने मैकबेथ पढ़ा, मैकबेथ में क्या होता है, जो मैकबेथ है जब उसकी वाइफ की इंफॉर्मेशन आती है कि जो वाइफ है उन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को वो जान दे दी है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब मैकबेथ अपने माइंड में ये सोचता है कि लाइफ के बारे में कि यार मैं, जिस वाइफ ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे इतना एम्बिशियस बना दिया कि मैंने अपने राजा की हत्या कर दी, अपने फ्रेंड्स की हत्या कर दी, ठीक है, उनका मर्डर करवा दिया, उनके बच्चों का मर्डर करा दिया, सब चीज़ें मैंने की, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए की थी, आज वो ही नहीं है। तो वो ये सब किस में सोच रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है। और जब माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है, अब क्या हो रहा है, जब कोई प्ले परफॉर्म हो रहा है या कोई भी चीज़ है आपको बताई जानी है, कोई मूवी आप देखते हैं, तो क्या होता है आपको एक, वो तो शांत रहेगा, ठीक है, वो सोच रहा है, दुखी है, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा है, ऐसे बहुत दिमाग खराब हो रखा है आज। अब बंदा तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको साउंड सुनाई दे रही है कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरी वाइफ छोड़ के चलेगी मुझे, ठीक है, तो ये टेल क्या है, ये लाइफ क्या है, वॉकिंग शेडो है, ये सब क्या चल रहा है। ये मैकबेथ नहीं बोल रहा है, ये मैकबेथ सोच रहा है लाइक दैट, मतलब वो एकदम शॉक्ड रह गया सुन के, तो वो सोच रहा है, घूम रहा, सोच रहा है कि ये हुआ क्या उसके साथ में। तो जब हमारे माइंड में जो चीज़ चल रहा है, ठीक है, चल रही है, उसको आपको बोल के बताया जाता है, एक साउंड आएगी ना आपको, तो वो साउंड देखने को मिलती है, जैसे मन में चल रहा होता है दूसरे के लिए, हम बोल तो रहे हैं अच्छा अच्छा मन में चल रहा है बुरा, तो जो बुरा चल रहा है वो ऑडियंस को जब बता दिया जाता है थ्रू अनदर वॉइस, तो वो होता है सोलिलोक्वी। मोनोलॉग क्या होती है? मोनोलॉग तो एक स्पीच है, मोनो मतलब कि सिंगल और लॉग मतलब स्पीच। तो जब एक सिंगल पर्सन जो होता है वो कोई भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी होते हैं स्पेशली, आप देखिए कि अगर कोई प्ले लिखा जा रहा है तो वो एक इमेजिनेशन के बेस पर लिखा जाता है। एंड जब वो करेक्टर क्या होता है कि एक ही पर्सन जो है वही अपनी बातों को, जैसे मैं हूँ यहाँ, मैं अकेली मैं ही तो बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मोनोलॉग दे रही हूँ आप लोगों को, मैं ही यहाँ पर नरेटर हूँ, मैं ही चीज़ें बोल रही हूँ, आपकी तरफ से भी मैं ही बोल रही हूँ, मेरी तरफ से भी मैं ही बोल रही हूँ, तो ये क्या होता है, मोनोलॉग होता है। एक होता है असाइड, असाइड को भी ध्यान रखो, बहुत पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो असाइड की जब हम बात करते हैं, असाइड में ऐसा होता है कि पर्सन बोलता है, बोलकर ऑडियंस को, जैसे कि मान लीजिए आप प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं जूलियट को, रोमियो बालकनी के नीचे खड़ा हुआ है, लटका हुआ है, उसको प्रपोज कर रहा है, ठीक है, एंड अचानक से क्या हो कि जूलियट से उसका ध्यान हटके एकदम से आपकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ
मतलब कि शी इज माई ट्रू लव वगैरह आपसे कुछ भी ऐसा बोला उसने, तो वो बोल कर आपसे बता रहा है, लेकिन जो सीन है वो सेम ऐसे ही चल रहा है. अदर करेक्टर्स जो हैं वो स्टेज पर हैं, बट वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं. स्पेशली आपको नेरेट करके बता दिया जाता है कि इंटेंशन क्या है. जैसे कि इयागो स्पेशली आपको बताता है जब डेस्डीमोना और जो क्या नाम था, काशियो नाम है, हाँ डेस्डीमोना और काशियो है ना शायद, तो काशियो जब वो हैंडशेक करते हैं तो बहुत देर तक काशियो उसका हाथ नहीं छोड़ता है डेस्डीमोना का, क्योंकि वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है इतना वो ओथेलो से अपने हस्बैंड से, मतलब उनका लवर था, हस्बैंड थे, तो उनसे भी इतनी ज़्यादा वो मतलब खुश नहीं रहती है, ऐसे बात नहीं करती है इतना खुल के जितना कि अपने फ्रेंड काशियो से बात कर लेती है. तो उस टाइम पर यागो आप लोगों से बोलता है, आप लोगों से कहता है वो कि ये जो इंसिडेंट है ना, इससे आगे इससे इसकी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, जो ओथेलो और डेस्डीमोना है, ओथेलो से मैं अपना जो रिवेंज है वो लूंगा मैं इसको यहाँ पर टारगेट बना के. और वो कर भी देता है, कर देता है ना बाद में. ओथेलो अपनी जो वाइफ है जिसको इतना प्यार करता था तो उसको वो मार देता है ना, ऐसा होता है. तो ये असाइड है, सलीलक्वी है, मोनोलॉग है, इनमें थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है अगर देखा जाए तो इन ध्यान रखूंगा कि ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो लिटरेरी टर्म्स की मेरी वीडियोस हैं जिनमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन आपको बताई हुई हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगा. हाँ मैकबेथ एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ, अमेजिंग सेशन मैम, ओके यूजीसी, सॉरी यस गॉट इट. सोचते हैं ऑडियंस नहीं सुन रही है, दैट इज सिलीलोक्वी. हाँ ऑडियंस नहीं सुन रही है, नहीं आप कंफ्यूज हैं अभी भी. जब हम सोचते हैं ऑडियंस नहीं सुन रही, ऑडियंस का क्या मतलब है, आप समझते क्यों नहीं हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. आप मूवी देख रहे हैं, आपने चलो मूवी छोड़िए, ड्रामा तो सब लोग देखते हैं, ड्रामा चल रहा है, ऑडियंस को छोड़िए, ऑडियंस नहीं असाइड होता है वो, कि जो असाइड वगैरह में क्या आप ऑडियंस से बोल रहे हैं, जो बाकी करेक्टर्स हैं वो नहीं सुन रहे हैं. नहीं सुनने की बात नहीं, यहाँ पर सुनाना ही होता है. सलीलक्वि में क्या है मैं बताती हूँ आपको. जैसे ड्रामा आपने देखा, ड्रामा चल रहा है, अब उसमें क्या होता है, एक सास है एक बहू है, ठीक है. अब बहू जो क्या है वो बैठी है, सास के पैर दबा रही है, अपनी जो मदर इन लॉ है उनके पैर दबा रही है, और उसने सारे दिन भर बहुत काम किया, सारी चीज़ें अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है, बट उनकी जो मदर इन लॉ है उनको सोना है, तो इस वजह से उन्होंने उनकी सास को उन्होंने सास ने ड्यूटी दी हुई है. होता है कि भाई दबवाते हैं पैर वगैरह, अब वो उनकी क्या कर रही है, सेवा कर रही है. अब वैसे तो वो मुंह नहीं बनाएगी ना, हंस रही है, लेकिन अंदर अंदर क्या सोच रही है, देखो माइंड मत करना इस चीज़ों को, ये सब नेचुरल चीज़ें होती हैं. तो क्या सोच रही है कि सारा दिन भर तो काम करो, ठीक है, मन में सोच रही है, फिर मतलब काम भी हम करें, थके भी हम, यहाँ पर सारा दिन काम करके चटनी बनती है हमारी, और पैर दबाएं हम इन महारानी के, ओके, और ये बुढ़िया कब खत्म होगी, ये सब चीज़ें ये कहाँ चल रही हैं, ये माइंड में चल रही हैं. तो ये ऑडियंस को सुनाई तो जाएंगी ना, ऑडियंस को तभी तो पता चलेगा बहू अच्छी है कि बुरी है, ऑडियंस को कैसे पता चलेगा. तो ये चीज़ें होती, ये सलीलक्वी होती है. ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को तो ही सुनाना है. अब वो जैसे मान लो मैं इधर दबा रही हूँ पैर वगैरह, ठीक है, ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई लेडी है, वो सामने उसने पूछा कि मतलब हाउ आई एम लुकिंग, कैसी लग रही हूँ मैं. अब आपने उसने पूछा है तो आप ये तो कहेंगे ना बहुत बुरी लग रही है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना, ही ये बोलेंगे कि आप बहुत फैट लग रही हो या कैसा भी कुछ नहीं कमेंट करेंगे. आप कहेंगे कि नहीं यू आर लुकिंग वेरी गुड वेरी ग्रेशियस, ऐसे आप बोलेंगे उसको. लेकिन अगर आप मन की बात आपको बता दी जाए, बाई चांस मन में ऐसा चल रहा हो कि हाँ मोटी, ऐसे भी बोल देते हैं ना मोटी, या फिर पतली, या फिर जैसे मैं पतली हूँ तो मुझे देखकर कोई कह सकता है कि हाँ बहुत सुकड़ी लग रही है, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं. तो मन में ये चल रहा है कि हाँ पता है मैं तो कैसे लग रही है ना, लकड़ी का ढांचा लग रही है, ये सब कुछ है. तो ये जब मन में चल रहा है ये तो ऑडियंस को बताना है ना, ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या सोचा. ये होती है आपकी सलीलक्वी, ठीक है, ओके. हाँ देखो इंग्लिश लिटरेचर समझ गए, मतलब तो समझ में आ गया ना, ऑडियंस को तो सारी चीज दिखेंगी, ये सब सुनाया जाएगा. जब बस सस्पेंस रखा जाता है ना, जब किसी भी कोई डिटेक्टिव होता है, ठीक है, तो जब सॉरी सस्पेंस होता है तो सस्पेंस नॉवेल्स होते हैं, थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल्स दिखाए जाते हैं आप लोगों को, गॉथिक नॉवेल्स होते हैं, तो वहाँ सस्पेंशन एक सस्पेंस रखा जाता है जो आपको नहीं पता होता, आपको मतलब बताया नहीं जाता है, बाद में रिवील किया जाता है.
ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन होती है, बट होप सो कि सही की समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिन भर हमारे साथ में कि हम सोचते कुछ हो रहे हैं उस पर्सन के बारे में, बट क्योंकि वो सामने है और हमसे डायरेक्टली हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि यार हम तेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। ओके, माइंड मत करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। कभी सोचो कि मैम मोटी बोल दिया, ये बोल दिया, अरे यार होता है जब भी हम एक्सेस हो जाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हम जरूरत से ज़्यादा पतले हैं तो हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है कि हाँ लकड़ी का ढांचा है, ये है वो है, और जब हम क्या हो जाते हैं एक्सेस थोड़े से, जो एक एक शेप वैसे हम शेप हम क्या अज्यूम करते हैं, हम माइंड में एक्ट्रेसेस वगैरह को सोच के रखते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो एक बार हम क्या सोच लेते हैं कि वो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जब एक्सेस हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसको ये नाम दे देते हैं, क्लास में उनको मोटू कहा जाएगा, मोटी कहा जाएगा, अब जैसे चश्मे लगा लिए उसको चश्मिश बोला जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारी थोड़ी सी भी इधर से उधर होती है ना तो आपका नाम निकल ही जाता है, तो लेकिन वो मन में बोलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं उसको नहीं बोलते, ठीक है। जैसे होता है ऐसा कि हमारे यहाँ पड़ोस में ना, देखो माइंड मत करना इस चीज़ को, पड़ोस जो सामने वाला पड़ोस है, नहीं मैं बोलती नहीं यार, कभी बाई चांस वीडियो देखने लगे तो कहेंगे कि हमें ऐसे बोलते हैं। हो जाता ना उनको पता चले कि मैम हमारा अंशु मैम जो है वो क्या करती है, अंशु मतलब वीडियो बनाती है, अब बाई चांस वो देखने लग जाए, हो सकता है कि यही वीडियो ओपन हो जाए तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैं नहीं बताती आप लोगों को, छोड़ो इस बात को। चलिए गुड बाय एंड टेक केयर, अभी हम क्लास को ऑफ करना चाहिए, आई थिंक वी आर टू लेट। ओके, अभी मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, होप सो कि आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, एंड अगर आपको पूरा कंप्लीट बैच लेना है तो आप परचेज कर सकते हैं, ऐप पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एंड अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अप्रैल में मैं स्टार्ट करूँगी सेशंस को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी कंसिस्ट। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है ये सब चीज़ें, एंड रिस्पेक्ट अदर्स। बहुत सारे लोग क्या हैं कि रिस्पेक्ट करना ही भूल गए हैं दूसरे लोगों की, तो प्लीज़ आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, छोटे हों बड़े हों, कोई गलत बोल रहा है ठीक है कब तक बोलेगा, दैट्स इट। चलिए अगले सेशन का वेट रहेगा, संडे को हम आपसे मिलेंगे, ठीक है, संडे 8 PM और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। बाकी आप कमेंट करना, मुझे बताना कि मैम कौन सा सेशन क्या चाहिए आप लोगों को, और फिर मैं आप लोगों को संडे को कराती हूँ ऐसे ही जैसे मैंने ये कराया एक ही वीडियो में सारा। चलिए फिर, ओके, टिल देन टेक केयर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मैं सच में मानती हूँ कि आपका प्रीशियस टाइम है जो कि आप मेरे साथ इतना टाइम लगा देते हैं, है ना, ये बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है, इतनी लेंथी क्लास, ठीक है, वो भी विलियम फॉकनर जो कि अनफ्रेंडली थे, अभी तो फ्रेंड बने हैं ना आप लोगों के और आप लगे रहते हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच कि आप इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। चलिए गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।